गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, रॉयल एबीपीवी ग्रुप में आपका बहुत स्वागत है। और आज जैसा कि आप जानते हैं, सीएनटी पार्ट टू यानी कि रिमेनिंग पार्ट जो हमारा रह गया था उसको पूरा करने के लिए मिस्टर सूरज ठक्कर हमारे साथ मौजूद हैं। और वो अपने ही अंदाज में, जैसा आप जानते हैं, वो ऐसी ऐसी बातें बताने वाले हैं आज हमें अपने प्रोडक्ट्स के बीच में, जो शायद कहीं ना कहीं हम बीच में मिस कर जाते हैं या हम नहीं सुन पाते, तो वो चीजें निकाल के लाते हैं और फिर हमें बताते हैं। जैसा कि उन्होंने पहले ड्रग्स के बारे में भी बताया था, जो कि मेरे लिए नया अनुभव था इतने सालों के बाद भी। तो जरूर आप डायरी और पेन के साथ आज के सेशन की तैयारी कर लीजिए। और जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि बहुत अच्छी आप लोग ड्राइंग जो है शुरू कर दी है, तो प्लीज थोड़ा सा ख्याल रखिए, क्योंकि हम लोग के ये सेशन खास तौर से आज का सेशन एजुकेशन से भरा हुआ है, प्रोडक्ट की नॉलेज मिलने वाली है। तो प्लीज अपने स्पीकर को कोऑपरेट करिए, रिगार्ड दीजिए, ये सब चीज प्लीज नहीं करिए। तो बाकी और ज्यादा नहीं बोलते हुए मैं बुलाना चाहूंगा सूरज जी को कि सूरज जी आप अपना सेशन शुरू करें। थैंक यू सो मच सर। सो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज सूरज कुमार ठक्कर, टेरिटरी सेल्स मैनेजर ऑफ मध्य प्रदेश। और आज आप लोगों के बीच में दोबारा से मैं उपस्थित हुआ हूं। और सबसे पहले धन्यवाद करता हूं हमारे अश्विनी सर का, जिन्होंने मुझे यहां पे इनवाइट करा है दोबारा से आपको एक बेहतरीन नॉलेज प्रदान करने के लिए। आई होप आप सभी लोग घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे। काफी लोगों के वीडियोस देख रहा हूं, तो काफी लोग वीडियोस में सो भी रहे हैं, जैसे ओप्पो F17। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने वीडियो को बंद कर दें, और जो लोग खाना खा रहे हैं तो प्लीज वो लोग भी अपने वीडियो को बंद कर दें, जो लोग इधर उधर घूम रहे हैं वो भी अपने वीडियो को बंद कर दें, और जो लोग टहल रहे हैं वो भी वीडियो को बंद कर दें। ब्रजेश जेसवाल जी, वीडियो में अगर आप ऑन करके बैठे हो तो प्लीज उठकर बैठ जाओ, सोते हुए ट्रेनिंग अटेंड मत करिए, अदरवाइज आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और कृपया करके प्रॉपर यूनिफॉर्म में रहें, टी शर्ट पहन लीजिए या फिर आप वीडियो ही ऑफ कर दें, ये छोटा सा रिक्वेस्ट है। सेकेंड थिंग इज दैट कि नोटपैड और पेन लेकर बैठिएगा। नोटपैड और पेन लेकर बैठने के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूं ताकि आप जो भी जानकारी दूंगा उसे नोट डाउन कर सके, नोट डाउन करने के बाद अपनी टीम के साथ शेयर कर सके और अपने नॉलेज को भी बढ़ा सके। क्योंकि मैं आज जिस सीएनटी के प्रोडक्ट्स के बारे में बात कर रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए है, कहीं ना कहीं हमारे लिए जीवन में बहुत मायने रखाते हैं। अगर मैं बात करूं तो हमारे मन में कुछ दुविधाएं होती हैं। पहली दुविधा तो ये होती है कि जो वेस्टीज है वो दवाइयां बनाता है, राइट? तो ये दवाइयां जो बनाता है ना, तो मैं आपको बता दूं कि हम लोग वेस्टीज जो है वो दवाइयां नहीं बनाता, वो आपको प्रदान करता है पोषकीय तत्व। क्या? पोषकीय तत्व। अगर मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन करूं, चैट बॉक्स ओपन है, जैसे कि आप लोगों को मेरी आदत पता है, बिना चैट बॉक्स के मेरे यहाँ ट्रेनिंग पॉसिबल नहीं हो पाता, तो चैट बॉक्स ओपन है, आप लोगों से एक सवाल करता हूं। समुद्र में पाए जाने वाली एल्गी, जिसको हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं काई, अगर मैं आपसे कहूं कि जाइए उस काई को उठाइए और खा लीजिए, तो क्या आप खा पाएंगे? नहीं खा पाएंगे। आपको गंदगी महसूस होगी, आप छी 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 करेंगे, मुंह बनाएंगे, यक करेंगे, लेकिन नहीं खाएंगे। अब मैं आपसे बोलूं, नीम से, नीम का जो पेड़ होता है, उस नीम के पेड़ से टपकने वाली जो बूंदी होती है, जिसको हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं निबोनी, आप उस निबोनी को उठाइए और खा लीजिए, तो क्या आप खा पाओगे? नहीं खा पाओगे। क्यों? क्योंकि आपको पता वो कड़वी है, उसका टेस्ट हम नहीं कर सकते। अब मैं कहूं कि आप जाओ कहीं एक समुद्र में जाओ या फिर ऐसी कोई बर्फीली जगह पे जाओ और वहां पे एक प्लांट पाया जाता है पोपोई रेमोनोडाइज करके, अब आपको ये तो पता ही नहीं होगा कि वो पोपोई रेमोनोडाइज का प्लांट है या कुछ और है। अगर आप उसको तोड़ के खा लो तो क्या खा पाओगे? नहीं खा पाओगे। तो जो हमारी ह्यूमन टेंडेंसी है, हमारी ह्यूमन टेंडेंसी क्या है कि जब भी हम बीमार पड़ते हैं तो सबसे पहले हम कहां जाते हैं? कोई बता सकता है मुझे कि हम बीमार जब पड़ते हैं तो हम सबसे पहले कहां जाते हैं? बिल्कुल सही कहा आपने, हम जाते हैं डॉक्टर के पास। एग्जैक्टली। अब आप जब डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर आपको क्या लिख के देता है? दवाइयां। और दवाइयां किस फॉर्म में देता है? कैप्सूल फॉर्म में। अब आप सोचिए, जब छोटे बच्चा पैदा होता है ना, बचपन से पैदा होने से लेकर उसके मरण तक वो दवाइयां ही खाता है, क्योंकि उसको पता है मैं बीमार पड़ूंगा तो मुझे दवाइयां ही खानी, राइट? तो इसलिए वेस्टीज ने भी आपके काम को आसान किया। वेस्टीज ने क्या करा, आपके शरीर को, जो हमारा मनुष्य है, जैसे कि मैं हूं, आप हो, अश्विनी सर हैं, सुनीता जी हैं, राजकुमार साहू जी हैं, ये पूरा मनुष्य शरीर जो है वो 63 खरब कोशिकाओं से बना है। कितनी खरब कोशिकाओं से? 63 खरब कोशिकाओं से बना हुआ है। और इन कोशिकाओं को रोजमर्रा में चाहिए होते हैं
46 प्रकार के पोषक तत्व, 46 टाइप्स ऑफ विटामिंस एंड मिनरल्स। अब आपको 46 प्रकार के पोषक तत्व खाने, वो तो आप खा नहीं पाओगे क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि हम पोषक तत्व खाते भी हैं या नहीं खाते हैं। तो वेस्टीज ने उन्हीं पोषक तत्व को कैप्सूल फॉर्म में इन्वेंट किया। क्यों? क्योंकि हमारी एक ह्यूमन टेंडेंसी है ना, हमारे नजरों में, हमारे दिमाग में, जो यहाँ पे छोटा दिमाग होता है ना, छोटे दिमाग में एक फॉस्फेटिडिल साइड्रिन करके एक लिक्विड होता है, फॉस्फेटिडिल साइड्रिन करके जो लिक्विड होता है वो हमको इस ओर प्रेरित करता है कि भाई बीमार पड़े हैं तो हमको कैप्सूल ही खाना है। तो इसी तरीके से वेस्टीज ने फूड सप्लीमेंट्स को, जो हेल्थ सप्लीमेंट्स है, जो पोषक तत्व हैं, आपको कैप्सूल फॉर्म में दिए ताकि आप आसानी से उसे खा सकें और अपने शरीर को 46 प्रकार के पोषक तत्व और कई बीमारियों से दूर रह सकें। आई होप आज आपको ये मन की दुविधा दूर हुई होगी कि हम लोग कैप्सूल नहीं खाते, दवाइयां नहीं खाते, दवाइयां नहीं बेचते, हम लोग सिर्फ पोषक तत्व खाते हैं और लोगों को भी खिलाते हैं। अब मैंने आपको जो ट्रेनिंग दी थी लास्ट टाइम, उस ट्रेनिंग में आपने देखा था कि मैंने आपको इम्यून सिस्टम के बारे में बताया, प्राइम कैटेगरी के बारे में बताया। आज हम बात करेंगे प्रोहार्ट। प्रोहार्ट के बारे में बता दूं आप लोगों को कि आज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के सर्वे में पाया गया है, आने वाले सन 2023 के बाद भारत एकमात्र ऐसा देश होगा जो 3 बीमारियों में नंबर 1 पे आ जाएगा। अब पहली बीमारी पता कौन सी है? पहली बीमारी है दिल से रिलेटेड, दूसरी बीमारी है डायबिटीज से रिलेटेड, तीसरी बीमारी है मोटापे से रिलेटेड। तो आपके हिसाब से हमारे भारत देश को इन बीमारियों में नंबर 1 पे लाना चाहिए या नंबर लास्ट पे लाना चाहिए, क्या लगता है आपको? चैट बॉक्स ओपन है, आपको पता है, चैट बॉक्स में फटाफट आंसर करें। एग्जैक्टली नंबर लास्ट पे आना चाहिए। लेकिन ह्यूमन टेंडेंसी, हमारी ह्यूमन टेंडेंसी क्या है यार, कौन इतना खर्चा करे यार, राइट? कौन इतना ये सप्लीमेंट्स खाए? खाना तो खाते हैं हम, बीमार पड़ते तो दवाइयां खा के 10 दिन में ठीक तो हो जाते हैं। लेकिन आप एक सोचो, 10 दिन में ठीक हो जाते हो, मानता हूं मैं, आप खाना खाते हो, मानता हूं मैं, लेकिन क्या जिंदगी भर स्वस्थ रहते हो? नहीं रहते ना। जिंदगी भर स्वस्थ रहने के लिए आपके शरीर को 63 खरब कोशिकाओं को चाहिए होते हैं 46 प्रकार के पोषक तत्व, हम वो रोजमर्रा में नहीं दे पाते। आजकल की जनरेशन घर के बाहर निकलती नहीं है, महिलाओं को सबसे पहले चाट का ठेला चाहिए और फुल्की का ठेला चाहिए। नंबर 2, हम जैसी जनरेशन के लिए सबसे पहले हमें चाउमीन चाहिए, बर्गर चाहिए, पिज्जा चाहिए। नंबर 3, बच्चों के साथ जा रहे हो और गलती से मैकडोनल्ड्स या पिज्जा हट के सामने से निकल गए, टांग पकड़ के वहीं बैठ जाएगा कि मुझे खिलाओ नहीं तो मैं घर नहीं जाऊंगा, रोने लगेगा। तो ये जनरेशन है। अब आप बताओ, मैदा खा रहे हो, मैदा जाके हाथों में चिपकता है, चिपकने से ब्लॉकेजेस बनते हैं, तो क्या आपके लिए वो सही है? नहीं है। लेकिन इन सबको खत्म कर सकते हैं? आज की डेट में आप मुझे बताओ, बीमारियां बढ़ रही हैं या कम हो रही हैं? आपके हिसाब से क्या लगता है? बीमारियां बढ़ रही हैं, कम नहीं हो रही? हॉस्पिटल्स खुल रहे हैं या बंद हो रहे हैं? अरे हर मोहल्ले में, हर गली में चले जाओ, एक हॉस्पिटल मिलेगा, राइट? और मेडिकल स्टोर तो हर एक दुकान, दो दुकान छोड़ के कॉम्पिटिशन चल रहा है मेडिसिन के लिए। लेकिन हम उधर जाके पर पैसा खर्चा क्यों करें, जब हमारे पास एक ऐसा सॉल्यूशन है कि हम साल भर में 60,000 से 70,000 रुपए खर्चा करें और 60,000 से 70,000 रुपए जो खर्चा हम बाहर की चीजों को खाने में करते हैं, वही खर्चा हम अगर वेस्टीज के सप्लीमेंट्स करें तो हम भी स्वस्थ रहेंगे, हमारी फैमिली भी स्वस्थ रहेगी, और ये कोविड जैसी बीमारी, खांसी सर्दी जैसी बीमारी, दिल से रिलेटेड बीमारी हमें छू तक नहीं पाएगी। तो अब आई होप आप समझ पाए होंगे, हम यहाँ पे समझ तो जाते हैं, यहाँ पे जैसी मीटिंग खत्म होती है उसके बाद हमारे माइंड में एक ही चीज आती है, अरे वो तो मीटिंग में बोला था, होता होगा ऐसा। देखो, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, राइट? जब तक आप कोई चीज इस्तेमाल नहीं करोगे तब तक आपको विश्वास नहीं होगा। अब आप बात करो, ये है ओप्पो का मोबाइल, जब तक मैं इसको इस्तेमाल नहीं करूंगा मैं कैसे बता दूंगा ओप्पो अच्छा मोबाइल है, राइट? आप भी यही करते हो ना, आपका फ्रेंड जब आपके पास आता है और पूछता है यार मुझे मोबाइल खरीदना कौन सा लूं, तो सब अपना दिमाग दौड़ाते, एक काम कर सैमसंग ले ले, एक काम कर एप्पल ले ले। क्यों? वो इसलिए क्योंकि उनने चलाया हुआ, उनको पता है। तो उसी तरीके से पहले खुद तो सप्लीमेंट खाओ, अपनी फैमिली को खिलाओ, उसके बाद जब रिजल्ट दिखेंगे तो आप सामने वालों को बता भी सकते हो। तो चलो इस बात की शुरुआत करते हैं, जो मानव शरीर है वो 63 खरब कोशिकाओं से बना है और उन कोशिकाओं को चाहिए होता है 46 प्रकार के पोषक तत्व। कितने प्रकार के? 46। उसी तरीके से मानव शरीर में 3 प्रकार के सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स जो शरीर को ऑक्सीजन प्रदान करता है, व्हाइट ब्लड सेल्स जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और रोगों से लड़ने की ताकत प्रदान करता है, तीसरा होता है कार्डियक सेल, सबसे इंपॉर्टेंट, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे, जो दिल से रिलेटेड बीमारियों को दूर रखने का कार्य करता है। अब ठीक उसी तरीके से आपके शरीर में 2 प्रकार के मुख्य एक्यूपंक्चर पॉइंट पाए जाते हैं,
एक पैर के तलुए के नीचे होता है, दूसरा ये हाथ की गद्दी देख रहे हैं, इन गद्दियों में होता है जैसे ही आप ताली बजाते हो जोर जोर से, राइट, तो ये एक्यूपंचर पॉइंट प्रेस होता है, जैसे ही आप चलते हो तो एक्यूपंचर पॉइंट प्रेस होता है। जो आपकी 63 करोड़ कोशिकाएं है ना, उन कोशिकाओं को बोलते हैं नसें, और उन नसों में क्या बहता है, ब्लड। क्या बहता है, ब्लड। आपको क्या लगता है, ब्लड ही बहता है ना, या फिर खोलते हुए पानी से अभी तक काम चल रहा था, ब्लड ही बहता है, राइट। तो जो 63 करोड़ कोशिकाएं उनमें जो खून बहता है, जब वो सही तरीके से आपकी बॉडी में सर्कुलेट नहीं हो पाता है, तब आपकी बॉडी में बनते हैं ब्लॉकेजेस, और ब्लॉकेजेस बनते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर सीधे उठा के एक ही बात बोलता है, आपकी तो बायपास सर्जरी करनी पड़ेगी। और बायपास सर्जरी कराने में एक झटके में 4 लाख रुपए देकर आते हो, वो 4 लाख ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर 60 से 70 हजार रुपए साल का खर्च करो वो ज्यादा अच्छा है? तो अब आपकी चॉइस क्या कहती है, अब आप बोलोगे 60 से 70 हजार रुपए ज्यादा अच्छा है, लेकिन उसके बाद भी, सुनने के बाद भी हम नहीं लेते। आजकल हमारी जरूरतें किस चीज में ज्यादा है, तेल साबुन। मैं मना नहीं कर रहा मत लो, क्योंकि वो तो रिक्वायरमेंट है, लेकिन जीवन जो मानव शरीर दिया, भगवान ने इतना अच्छा शरीर दिया है, उसको भी तो पैसा चाल के आयु प्रदान करो, राइट। तो उसके लिए क्या खाने पड़ेंगे, वेस्टीज के सप्लीमेंट्स। तो चलिए इस ट्रेनिंग को स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले मैं आपके बीच में जो प्रोडक्ट लेकर आ रहा हूं, उस प्रोडक्ट का नाम है फ्लैक्स ऑयल, अलसी का बीज, अलसी के बीज से निकाले हुए तेल से बनाया हुआ सॉफ्ट जेली का कैप्सूल। इस सॉफ्ट जेली के कैप्सूल का सेवन कब करना है, ध्यान से सुन लीजिएगा। इस सॉफ्ट जेली, आई थिंक अश्विनी सर मैं ये क्या बोलते हैं, यहां तक कर चुका था ना जी, मुझे ऐसा ध्यान बता दिया था। हाँ, मैं शायद आई थिंक फ्लैक्स ऑयल तक बता चुका हूँ, फ्लैक्स ऑयल बता चुका, फिर चलिए आप बता दीजिए, चलिए मैं फिर से बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो ये जो फ्लैक्स ऑयल है, ये अलसी के बीज से निकाले हुए तेल से बनाया सॉफ्ट जेली का कैप्सूल है, इसमें ओमेगा 3 ओमेगा 6 का फैटी एसिड पाया जाता है। ये फ्लेक्सिड ऑयल फाइबर फ्लेक्स लिंगन से बना हुआ होता है, जो आपके शरीर में जाता है, शरीर में जाने के बाद आपके पूरे पेट की गर्मी से फटके पूरी नसों में फैल जाता है, और जहां कहीं भी ब्लॉकेजेस होते हैं उसको धीरे धीरे करके डिसॉल्व करने लगता है। साथ ही साथ में ये आपके प्लेटलेट्स को इंक्रीज करता है, डायबिटीज के पेशेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। इसको खाना कैसे, ध्यान से सुन लो, दिन में 3 बार खाना खाने के बीच में। अभी तक आपने सुना होगा खाना खाने के बाद में या खाना खाने के पहले, आज आप पहली बार सुन रहे होगा कि खाना खाने के बीच में क्यों बोल रहे हैं। तो आप ध्यान दो, आप रोटी खाते हो, चावल खाते हो, इन सब में क्या होता है, ग्लूकोज, शुगर। जब आप ये शुगर का कंटेन करते हो, जिस व्यक्ति को ऑलरेडी शुगर है, आप कहते तो यार कंट्रोल नहीं हो रही, कहां से कंट्रोल होगी, आप तो उल्टा उसको ग्लूकोज दे रहे हो। तो इसीलिए इसको खाना है खाना खाने के बीच में खाओगे तो ये पेट के अंदर जाके पेट की गर्मी से फट जाएगा, और जब आपका खाना समाप्त हो जाएगा तो आपके खाने से मिलने वाला जो ग्लूकोज है उसको ये कम से कम 27% से ज्यादा उस ग्लूकोज को क्या कर देगा, रिड्यूस्ड कर देगा, और इससे आपकी डायबिटीज कंट्रोल होने लग जाएगी। तो यही है इसका सही तरीका खाने का, खाना खाने के बीच में। एलर्जी नहीं, जैसे कि मैंने बताया था, आप देखो ये चित्र दिख रहा होगा, इस चित्र में आपको क्या दिख रहा है, दिल, और दिल से जुड़ी हुई सारी कोशिकाएं, और इसमें ये जो बहरा है ना लाल लाल कलर के डॉट्स जैसे, ये हैं आपके रेड ब्लड सेल्स। ये रेड ब्लड सेल्स जब कहीं रुक जाता है, खून का कत्था जम जाता है, हमारे शरीर में ब्लॉकेजेस होते हैं, तब हमारे शरीर में ब्लॉकेजेस बनने से स्ट्रोक्स आने लगते हैं, हार्ट अटैक जैसी बीमारियां स्टार्ट हो जाती है। तो अगर आप चाहते हैं इन सब चीजों से बचना, तो आप करिए LRG9 का सेवन। इस प्रोडक्ट को मैं अपनी कैटेगरी में नंबर 1 का प्रोडक्ट कहता हूं, इसे मेरी कैटेगरी में नंबर 1 का प्रोडक्ट इसलिए कहता हूं, ये एकमात्र ऐसा प्रोडक्ट है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है आपके दिल से रिलेटेड बीमारियों को दूर करने के लिए। साथ ही साथ में ये क्या करता है, आपके शरीर में जाता है और आपके नाइट्रो ऑक्साइड की प्रोडक्शन को बढ़ा देता है, जिससे आपकी जो नसें हैं और जिस नसों में ब्लड वेसल्स जो जिसको नसें बोलते हैं, वो नसें क्या करता है, वो नसें आपके शरीर में चौड़ा हो जाता है, और जब आपका ब्लड सही तरीके से सर्कुलेट नहीं होता है तो वो एक रास्ता बना के बॉडी में वापस से सर्कुलेशन ठीक कर देता है, जिससे आपका ब्लड फ्लो रेगुलेट होने लग जाता है। साथ ही साथ में ये प्रोडक्ट उस व्यक्ति के लिए वरदानदायक प्रोडक्ट है, जिस घर में, सपोज करिए जिस घर में, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, जिसके कारण उनके घर में शारीरिक संबंध बनाने में दिक्कत है, और जिस वजह से उनके घर में संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, उनको अवश्य दें। अगर आप उनको अवश्य देंगे तो हो सकता है कि उनके घर में इस प्रोडक्ट के माध्यम से संतान सुख प्राप्ति हो पाए। अब बहुत से लोग ऐसे सर पे हाथ रखे होंगे, कह रहे होंगे सूरज सर क्या बात कर रहे हैं, संतान सुख प्राप्ति ऐसा कुछ हो सकता है? तो चलिए
ऐसा हो सकता है, कैसे हो सकता है इसका प्रूफ दे देता हूं। तो ये देखिए आपके सामने जो आज प्रूफ आ रहा है इसको ध्यान से देखिएगा। जो दवाइयों से हारा है वेस्टीज उनका सहारा है, और ये है महिला जिनका नाम है प्रियंका पाटिल बेलगाम से। सात साल मेडिकल ट्रीटमेंट, बच्चा नहीं हो पा रहा था, संतान सुख प्राप्ति नहीं हो पा रही थी। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं, मुझे चेकबॉक्स में आंसर करिएगा और बताइएगा कि आप एक हाथ से ताली बजा सकते हो क्या? मैं तो नहीं बजा पा रहा, देखो मेरा हाथ हिल रहा है लेकिन ताली नहीं बज रही। लेकिन क्या मैं दो आनों हाथ को जोड़ूंगा तो ताली बजेगी? बिल्कुल बजेगी। तो ठीक उसी तरीके से जब किसी घर में संतान सुख प्राप्ति होती ना, तो कभी भी महिला या पुरुष को दोष मत दो। क्यों? क्योंकि आप जब तक हाथ से ताली नहीं बजाओगे दोनों हाथों को जोड़ के, तब तक कुछ भी ताली नामुमकिन है कि बज जाए, राइट? आपको दोनों हाथ जोड़ने ही पड़ेंगे। तो ठीक उसी तरीके से महिला में भी हो सकता कुछ कमी हो सकता है, पुरुष में भी कमी हो, तो दोनों को क्यों ना हम आपस में जोड़ दें जिससे उनकी मजबूती बन जाए और उसके वजह से उनके घर में संतान सुख प्राप्ति हो पाए। तो इसलिए वेस्टीज ने कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स का कॉम्बिनेशन बनाया। ये प्रियंका पाटिल है, 7 साल मेडिकल ट्रीटमेंट लिया, संतान सुख प्राप्ति नहीं हो पाई, और जब संतान सुख प्राप्ति नहीं हो पाई इन्होंने दुनिया भर के डॉक्टरों का चेकअप करा लिया, हार मान ली, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इनके दिल में चाहती एक संतान की सुख प्राप्ति की। इन्होंने क्या करा, इन्होंने किसी अपने पड़ोसी से बात करी होगी तो उन्होंने एक दिन क्या बताया कि आप एक काम करो, वेस्टीज को ज्वाइन करो, वेस्टीज में कुछ प्रोजेक्ट हैं। तो इनके लिए वो वरदान दायक देवता बन क्या है मिस्टर शांताराम एंड सुजाता लोहार जो कि बेलगाम से हैं, उन्होंने वेस्टीज के सप्लीमेंट्स बताए और इन्होंने खाना शुरू करा। मात्र 1 से 1.5 साल, ध्यान से सुनिए, 1 से 1.5 साल ये प्रोजेक्ट का उपयोग किया और आप देखो उनके गोदी में संतान सुख की प्राप्ति आपको दिख रही होगी। एक अच्छा हट्टा खट्टा बच्चा, उनके चेहरे की मुस्कान देखो। तो अब ध्यान से सुनो ये चीज, अगर जिनको संतान सुख प्राप्ति चाहिए तो वो पुरुष को भी खिलाना है, महिला को भी खिलाना है, लेकिन कैसे खिलाना है, क्या खिलाना है, इसको देख लीजिए। पुरुष को देना है कोएंजाइम Q10 सुबह शाम 1-1 कैप्सूल खाना खाने के बाद। यहाँ पे स्पायरुलिना 1-1 कैप्सूल सुबह शाम लिखा है, लेकिन आपको पुरुष को दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम 1-1 कैप्सूल देना है। एलर्जी लाइन लेने का तरीका सुन लो, एलर्जी 9 को लेना है सिर्फ और सिर्फ कांच की गिलास में, प्लास्टिक या फिर आपको क्या बोलते हैं स्टील की गिलास में नहीं लेना है, और इसे एक दिन छोड़कर ही एक दिन लेना है। प्रेग्नेंट लेडी होने से पहले जिनको संतान सुख प्राप्ति नहीं हो पा रही है उनको क्या देना है, तो उनको देना है शतावरी मैक्स सुबह दोपहर शाम खाना खाने के बाद 1-1 कैप्सूल, शतावरी मैक्स 1-1 कैप्सूल ठीक है सुबह दोपहर शाम, और फॉलिक एंड आयरन और स्पायरुलिना में ध्यान से सुन लो 1 घंटे का गैप होना चाहिए, राइट? 1 घंटे का गैप होना है फॉलिक एंड आयरन में। फॉलिक एंड आयरन आप दोगे सुबह और दोपहर में खाना खाने के बाद, स्पायरुलिना दोगे सुबह और शाम। श्रुति विश्वकर्मा जी प्लीज फोकस ऑन ट्रेनिंग, डेफिनेटली लास्ट में जो भी है अश्विनी सर यहाँ मौका देंगे सबको बोलने का, जैसे कि आपको पता है हम क्वेश्चन एंड आंसर राउंड करते हैं, तब आप वहां पे जरूर बताइएगा, राइट? क्योंकि अभी ये ट्रेनिंग है, बीच बीच में मैसेज आएंगे तो मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगा, तो जब मैं पूछूं कुछ तब आप मैसेज करिए, राइट? आई होप आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हो। फॉलिक एंड आयरन सुबह और दोपहर 1-1 कैप्सूल, स्पायरुलिना महिलाओं को सुबह और शाम देना है 1-1 कैप्सूल खाना खाने के बाद, फॉलिक एंड आयरन स्पायरुलिना में 1 घंटे का गैप होना चाहिए। नोनी महिलाओं को दोपहर में दीजिएगा और एक शाम को दीजिएगा खाना खाने के पहले। गैनोडर्मा सुबह दोपहर शाम 1-1 कैप्सूल, वेस्टीज का प्रोटीन पाउडर सुबह और शाम 1-1 चम्मच या 2-2 चम्मच, मैं कहूंगा 2-2 चम्मच दीजिए हल्के गुनगुने दूध में, और LRG9 एक दिन का छोड़कर एक दिन दीजिए। अगर आप ऐसा करते तो हो सकता है उनके घर में भी संतान सुख की प्राप्ति हो पाए। आगे बढ़ते बात करते हैं एक और शानदार बेहतरीन प्रोजेक्ट कोएंजाइम Q10। अब देखिए कोएंजाइम Q10 क्यों इंपॉर्टेंट होता है इसको समझिएगा। जब कोई व्यक्ति हाइपरटेंशन में चला जाता है, हाइपरटेंशन क्या होता है, मान लीजिए ऑफिस में उसका किसी बॉस से झगड़ा हो गया, उसकी जॉब पे बात आ गई, इससे क्या होता है हाइपरटेंशन होने लगता है। जब ये हाइपरटेंशन होता है तो आपके दिमाग में जहां पे पीछे एक लिक्विड होता है फॉस्फेटिडिक सिल्ड्रीन, वो फॉस्फेटिडिक सिल्ड्रीन क्या करता है आपकी नसों को कमजोर करने लगता है। नसें कमजोर होने की वजह से आप क्या करते हैं स्मोकिंग की तरफ अग्रसित होते हैं। स्मोकिंग की तरफ जब आप अग्रसित होते हैं तो आपकी मसल्स और ज्यादा कमजोर होने लगती है। जब और ज्यादा कमजोर होने लगती है तो इससे आपके दिल से रिलेटेड ब्लॉकेजेस बनने के चांसेस स्टार्ट हो जाते हैं, और जब दिल से रिलेटेड ब्लॉकेज चांसेस बनने के स्टार्ट हो जाते हैं इसी वजह से संतान सुख प्राप्ति में भी उनको दिक्कत आती है,
राइट, ध्यान से सुनिए, संतान सुख प्राप्ति में भी उनको दिक्कत आने लगती है, इसलिए कोंजाइम Q10 क्या करेगा, उनके स्मोकिंग रिस्क फैक्टर को कम करेगा, हाइपरटेंशन को सही करेगा, कार्डियक सेल्स को एनर्जी प्रदान करेगा, फ्री रेडिकल डैमेजेस से बचाएगा और आपके लिपिड मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करेगा, जिससे आपकी नसों में वापस से जान आएगी और आप अपना सुखमय जीवन जी पाएंगे। तो सुबह और शाम खाना खाने के बाद एक एक कैप्सूल देना है। कोकोनट ऑयल कैप्सूल, कोकोनट ऑयल कैप्सूल को बोलते हैं वर्जिन कोकोनट ऑयल। इसके अंदर रिच इन अल्फा लिपोइक एसिड पाया जाता है, जो आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को रिड्यूस करने में मददगार साबित होता है। याद रखिए, ये कोकोनट ऑयल कैप्सूल इतना इंपॉर्टेंट है कि ये आपके दिल से रिलेटेड बीमारियों को दूर रखने के साथ साथ आपके मेटाबॉलिज्म लेवल को बूस्ट करता है, डाइजेशन को सुधारता है, आपका जो ब्रेन है, जो लिक्विड होता है फॉस्फोलेटेड सिल्ड्रीन, उसको ये डायरेक्ट एनर्जी प्रदान करता है, जिस वजह से एनर्जी की वजह से आपके शरीर के अंदर की जो कोशिकाएं हैं वो भी सही तरीके से कार्य करती हैं। स्किन त्वचा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमने बहुत से लोगों ने देखा होगा कि जैसे ही सर्दियां आती हैं हमारे घर में पैराशूट के छोटे छोटे डब्बे आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? हाथ पैरों पर लगाने के लिए, ताकि हमारे हाथ पैरों में वो फटे ना, राइट। तो इसी तरीके से ये आपकी त्वचा को भी अच्छा रखेगा। साथ ही साथ में अगर कोई व्यक्ति है जिसको बहुत ज्यादा जॉइंट्स में पेन होता है, तो ये जॉइंट्स के पेन को रिमूव करने में सक्षम है। अगर किसी का बहुत ज्यादा पेट निकला हुआ है, बहुत मोटापा बढ़ा हुआ है, तो ये धीरे धीरे करके उनके वेट को रिड्यूस करने भी लगता है। तो इसको खाना कब है? सुबह और शाम खाना खाने के बाद एक एक कैप्सूल लीजिएगा, बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको ये प्रदान करेगा। आई होप मेरे द्वारा समझाई हुई ये जानकारी आपको समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में आई तो चैट बॉक्स ओपन है, और आपको अच्छा लगा तो आप अपना फीडबैक शेयर कर सकते हैं। तब तक मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। थैंक यू सो मच, ग्रेट, अंडरस्टैंड, फैबुलस, थैंक यू सो मच, थैंक यू अंसारी जी, सुरा मैया महापत्रा, जय सिंह स्टार डायरेक्टर, वेरी नाइस। अब बात करते हैं दूसरी बीमारी। मैंने आपको क्या बताया था? पहली बीमारी कौन सी थी दिल से रिलेटेड, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के सर्वे के अनुसार आने वाले सन 2023 के बाद भारत में नंबर वन पे आ जाएगी, वो थी आपकी दिल से रिलेटेड बीमारी। दूसरी डायबिटीज। आज डायबिटीज के पेशेंट को देख लो, एक घर छोड़कर एक घर जाने की जरूरत नहीं है, अपने ही घर में देख लो, एक ना एक पेशेंट आपको डायबिटिक मिल जाएगा, एक ना एक पेशेंट आपको मोटापे का शिकार मिल जाएगा। लेकिन क्या हम इस डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं? क्या इसको खत्म कर सकते हैं? तो आपको आज जवाब मिलने वाला है कि ये एक ऐसी बीमारी है जो ला इलाज है, इसका कोई इलाज नहीं है। ये आपके साथ जब आप मृत्यु उपरांत हो जाएंगे, मर जाएंगे, तब भी आपके शरीर में रहेगी। जब आपका शरीर जल के राख हो जाएगा, उसका टेस्ट करवा लेना, उसमें भी डायबिटीज मिल जाएगी। ये ऐसी बीमारी है जो सबसे ज्यादा प्यार करने वाली बीमारी है, और अगर आपको ये सबसे ज्यादा प्यार करने वाली बीमारी अच्छी लगती है तो आप बताएं मुझे कि इसे कंट्रोल में करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ऑब्वियसली बात है, इसे कंट्रोल में हमें करना चाहिए। अब बात कर रहे हैं कंट्रोल की, तो चलिए मैं आप लोगों से एक सवाल करता हूं, चैट बॉक्स ओपन है। आप लोगों से अगर मैं बोलूं, सपोज करिए ये एक, ये दो और ये के तीन, एक टेबल पे ये देखिए, ये एक टेबल है, इस टेबल पे मैंने यहाँ पे रखा हुआ है चिकन करी, ये रखा है करेला, और ये रखा है मैंने मटर पनीर, तो सबसे पहले किस पे हाथ मारोगे बताओ, सच बताना। देखिए विनय जी बोल रहे हैं सबसे पहले मैं तो चिकन खाऊंगा, मटर पनीर खाएंगे, मटर पनीर चिकन, मटर पनीर चिकन, यही आ रहा है मेरे तो, बस क्या बात है। और जो लोग बोल रहे हैं ना करेला खाएंगे, वो एक नंबर के झूठे हैं। क्यों झूठे हैं? जैसे ही वो वहां पे पहुंचेंगे, सबसे पहले वो या तो मटर पनीर पे या चिकन पनीर पे हाथ मारेंगे, राइट, कोई भी करेले के हाथ नहीं मारेगा। और जब ये दोनों चीजें खत्म हो जाएगी ना, और इंसान के पास कुछ खाने के लिए नहीं बचेगा, तब उसका पापी पेट बोलेगा खा ले, नहीं तो ये भी नहीं मिलेगा, खा ले, राइट। तो आज हमारी फेवरेट सब्जी करेला नहीं है, किसी की भी फेवरेट सब्जी करेला नहीं होती। उस व्यक्ति से जाके पूछा जिस व्यक्ति को डायबिटीज होती है, वो जरूर बोलेगा भाई मेरे लिए तो फेवरेट सब्जी करेला है, राइट। क्यों? क्योंकि मिठास को कड़वाहट ही मारती है, राइट। तो मिठास को कड़वाहट मारने के लिए वेस्टीज ने आपको कुछ सप्लीमेंट्स दिए, और वो सप्लीमेंट्स में सबसे पहला सप्लीमेंट आता है नीम। ये जो हरे हरे बूंदी देख रहे हो ना, इसको बोलते हैं निबोनी, राइट। ये नीम के पेड़ से टपकने वाली निबोनी है। अब मैंने क्या कहा था, इसको उठा के खा लो नहीं खा पाओगे ना, इसलिए बस चीज ने इसे कैप्सूल फॉर्म में दिया। ये एंटी डायबिटिक पोटेंशियल है, एंटी डायबिटिक पोटेंशियल है। ये ऐसा प्रोडक्ट है जो आपके शुगर को कंट्रोल में करता है, कम करने लग जाता है। अगर किसी व्यक्ति को इंसुलिन चढ़ रहा है तो ध्यान से सुन लो, उस व्यक्ति को आप
रोज एक कैप्सूल दो जिसको इंसुलिन चढ़ रहा है उसको रोज एक कैप्सूल दो एक महीने तक, फिर 15 दिन का गेप करो, फिर एक महीने कंटिन्यू दो, 30-50% तक उसका इंसुलिन कम हो जाएगा। और जिस व्यक्ति को हल्की पुल्की डायबिटीज है जिसको कंट्रोल करना है वो एक दिन छोड़कर एक दिन खाएगा, रोज मत खाना। क्यों? क्योंकि ये जैसे आप इसको खाओगे ये शरीर में जाएगा, शरीर में जाने के बाद आपके खून को शुद्ध करने लगता है। अगर आप इसका निरंतर सेवन करोगे तो ये आपके खून को पतला कर देगा, पतला करने के वजह से आपके शरीर के अंदर ये चीज हो जाएगी कि आप संतान सुख प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। इसलिए इसको रोज सेवन नहीं करना है, एक दिन छोड़कर एक दिन खाना है। अब आप देखो नीम का उपयोग हम सभी लोगों ने कभी ना कभी तो किया होगा। कैसे? जब किसी के घर में माता आती तो हम क्या करते हैं, नीम के पत्तों पे उसको सुलाते हैं, नीम के पत्तों को गर्म पानी में उबालते हैं और उससे नहलाते हैं, राइट। या फिर हम में से बहुत से लोगों ने कभी ना कभी नीम की दतौन तो करी होगी, राइट। क्यों करते हैं? क्योंकि उसके अंदर एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज पाई जाती है, वो शरीर के अंदर की गंदगी को खत्म कर देता है और साथ ही साथ में आपकी त्वचा को अच्छा बनाए रखने का कार्य करता है वेस्टिज का नीम। तो ध्यान दीजिए, एक दिन छोड़कर एक दिन खाना है। अच्छा, अब आप मुझे बताइए, जो लोग ध्यान से सुनिएगा और चैट बॉक्स में बोलिएगा, जिस व्यक्ति ने बचपन से मीठा खाया है तो क्या वो मीठा खाना छोड़ सकता है? नहीं छोड़ सकता, उसको कहीं ना कहीं मीठा खाना ही पड़ता है, नहीं तो वो पागल होने लगता है। लेकिन अब आप बताओ, जो व्यक्ति मीठा नहीं छोड़ सकता तो वो लोग क्या करते हैं, एक छोटी सी उनके पास डब्बी होती है, कौन सी होती है कोई बता सकता है मुझे, कौन सी डब्बी होती हो? एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कहा आपने, शुगर फ्री, राइट। तो वो शुगर फ्री रखते हैं। तो उसी तरीके से वेस्टिज ने आपके लिए क्या करा, स्टीविया, ये जो देख रहे हैं आप, स्टीविया रेबुडेनिया करके एक प्लांट पाया जाता है जो कि 300 गुना ज्यादा मीठा होता है। डरिए मत, ये डायबिटीज को नहीं बढ़ाएगा, राइट। ये 300 गुना मीठा इसलिए होता है कि उनका जो ग्लूकोज है ये उसको कंट्रोल भी करेगा। इसके अंदर कोई कैलोरिक वैल्यू नहीं पाई जाती, बल्कि इसके अंदर गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, डाइट्री फाइबर, मिनरल और कई प्रकार के अमीनो एसिड पाए जाते हैं जो आपकी बॉडी को कंट्रोल करेगा। जो डायबिटिक पेशेंट है उस व्यक्ति को ये अवश्य दें। अवश्य देने का मतलब ये है कि अगर उनको चाय पीनी है, चाय में उनको शक्कर चाहिए तो आप उन्हें ये दे सकते हैं। तो इससे क्या होगा, उनकी डायबिटीज भी कंट्रोल में रहेगी और आपके डायबिटीज बढ़ने के चांसेस भी नहीं रहेंगे। आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे फिटनेस प्लस डाइट। आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनको मोटापा पसंद नहीं होगा, मुझको तो नहीं है पसंद, लेकिन फिर भी हम लोग फास्ट फूड खा खा के, चाउमीन खा खा के, समोसा कचौड़ी खा खा के और नॉन वेज खा खा के अपना वजन बढ़ा लेते हैं। अब देखो ह्यूमन साइकोलॉजी देखो, जब कोई व्यक्ति वेट कम करना है, चलो मान लो, सपोज कर लो कि मैं बहुत मोटा हूं, अब मुझे वेट कम करना है, मैं आया आपके पास, मैंने कहा यार एक काम करो यार निश्चित जरी वाला भाई, मुझे ये बताओ मुझे अपना मोटापा कम करना, मैं क्या करूं? तो चलिए आप सभी लोगों से यह सवाल करता हूं कि मुझे अपना मोटापा कम करना है, मैं क्या करूं? तो आप लोग क्या सजेशन दोगे? वेस्टिज का छोड़ के, अभी वेस्टिज की बात मत करना, राइट, एक नॉर्मली पर्सन के हिसाब से बताना, ठीक है। मैंने कहा कि मेरे को मोटापा है और मुझे मोटापा, चलिए निश्चित जी बोल रहा है एक्सरसाइज करो, रंजना जी बोल रहे हैं डाइटिंग करो, और क्या बोल सकते हैं, चलिए देखिए, अहमद जी बोल रहा है एक्सरसाइज एंड डाइट, ओके, घूमो, अच्छा ठीक है घूम लेते हैं, जिम, ये हुई ना बात प्रवेश जी, जिम, और क्या, रनिंग, ओके ओके, योगा, ओके, कम खाऊं, अच्छा कम खाऊं, खाने छोड़ दूं क्या? राइट, और क्या करूं, साइकिलिंग करूं। अब ध्यान देना, यहां पे सुनना, जब कोई व्यक्ति बोलता है ना कि मुझे मोटापा कम करना है, बहुत से लोग क्या बोलते हैं, भाई एक काम कर साइकिलिंग कर, एक काम कर रनिंग कर, एक काम कर जिम चले जा। अब एक बात बताओ, अगर मैं जिम जाना है तो आज की डाइट में है, आज जो जनरेशन चल रही है ना, तो जिम कैसी जाती है, जिसको मोटापा कम करना है वो पता जाता कैसे, कार में एसी चला के मस्त बैठ के जिम तक जाता है, वहां पे खूब पसीना बहाता है और वापस से कार में बैठ के एसी चला के वापस आता है, तो क्या वो व्यक्ति कभी अपना वजन कम कर पाएगा? एक व्यक्ति साइकिल चलाता है तो साइकिल चला के वो 1 किलोमीटर जाता है, 1 किलोमीटर आता है, तो क्या वेट कम हो जाएगा? अरे रनिंग करने से क्या वेट कम हो जाएगा? नहीं होगा। आपके साथ उसमें आपको एक्सरसाइज चाहिए, साथ ही साथ आपको चाहिए कुछ सप्लीमेंट्स जिसके माध्यम से वो आपके शरीर के अंदर की जो अननेसेसरी फैट्स है उस चर्बी को गला सके, क्योंकि चर्बी अपने आप एक्सरसाइज से नहीं गलती है, उसके लिए कुछ ना कुछ सप्लीमेंट चाहिए। इसलिए वेस्टिज ने आपको दिया एक ऐसी रेंज जिसका नाम है वेस्लिम रेंज। लेकिन उससे पहले बता दूं, जो लोग
एकदम बॉडी शॉडी बनाने का शौकीन रखते हैं ना, जो लोग बाहर जाके पता नहीं कौन से पाउडर खाते हैं, बॉडी बना लेते हैं और जैसे बॉडी बनाना जिम जाना छोड़ देते हैं तो आप देखना उनकी बॉडी कितनी बेकार हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे ऐसे कंटेंट्स मिले होते हैं जो शरीर को बिगाड़ देते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हो आपकी बॉडी का कंट्रोल भी अच्छा रहे तो उन जिम लोगों के लिए, जो जिम करने वाले लोग हैं उनके लिए सबसे बेहतरीन चीज है प्रोटीन पाउडर। इसमें रिच सोर्स ऑफ 20 प्रकार के अमीनो एसिड पाए जाते हैं। याद रखो जिम वाले व्यक्ति लोग अधिकतर वे प्रोटीन का उपयोग करते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं इसमें वे प्रोटीन के साथ साथ सोया आइसोलेट भी है। ये वे प्रोटीन सोया आइसोलेट क्या करता है, आपस में मिलके फैट की मात्रा को कम करने लगता है और प्रोटीन की मात्रा को बढ़ा देता है, जो आपके शरीर को चाहिए होता है। और ये आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है और आसानी से डाइजेस्ट होने के साथ साथ ये वेट को रिड्यूस करने में भी सक्षम होता है। वेस्टिज का प्रोटीन पाउडर, इसको सुबह और शाम खाना खाने के बाद एक एक कैप्सूल सुबह शाम खाना खाने के बाद हल्के गुनगुने दूध में 2 चम्मच, शाम को 2 चम्मच लेना स्टार्ट करिए, बहुत अच्छे रिजल्ट आपको प्रदान करेगा। अब ओबेसिटी फैक्ट के बारे में बात करूं तो ध्यान से सुनिएगा, दिल और दिमाग दोनों खोलकर सुनिएगा, और जो लोग वीडियो चल रहे हैं तो मैं कुछ बोलूंगा तो आपको वो करना जरूरी है, तो ध्यान से सुनिएगा, राइट? अब मजा आने वाला है दोस्तों। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के एक सर्वे के अनुसार पाया गया है कि आने वाले सन 2023 के बाद भारत एकमात्र ऐसा देश होगा जो मोटापे के मामले में क्या आ जाएगा, नंबर 1 पे आ जाएगा, राइट? ये मैं आपको बता चुका हूं। अब ध्यान से देखो, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के एक सर्वे में पाया गया है 1 बिलियन से ज्यादा लोग पूरी दुनिया में ओवरवेटेड के शिकार हैं, यानी कि मोटे से भी ज्यादा मोटे हैं। सेकेंड, आप देखिए 300 मिलियन से ज्यादा लोग मोटापे के शिकार है, 300 मिलियन से ज्यादा लोग मोटापे के शिकार है, राइट? जिसमें एक सर्वे में पाया गया है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका नंबर 1 पे आता है मोटापे के मामले में, नंबर 2 पे आता है हमारा चाइना और नंबर 3 पे आता है हमारा भारत देश। और रिसेंटली सर्वे के अनुसार आने वाले समय में सन 2023 के बाद भारत एकमात्र ऐसा देश होगा जो मोटापे के मामले नंबर 1 पे आ जाएगा। भला उजुरा ताली, क्या बात है, देखो बहुत सारे लोग ताली भी बजा रहे हैं, राइट? क्योंकि आपको मोटापा है। एक काम करेंगे, अगली बार से जब हम ऑफलाइन मीटिंग करेंगे ना तो लोग बात चेयर पे मत बैठना, गद्दे लेकर आना, राइट? जापान में वो होता है ना सुमो पहलवान, वैसे हो जाओ, नंबर 1 पे आना, सोना नहीं, नंबर 1 हो, ताली बजानी शुरू, तो कभी भी सुनो। इसलिए मैं कहता हूं आपका दिल और दिमाग एक जगह पे केंद्रित करो, राइट? हमें नंबर 1 पे नहीं, नंबर लास्ट पे आना है। तो सबसे पहला जो प्रोडक्ट आता है वह स्लिप शेक। अब वेस्लिम शेक करता है क्या है, इसकी खासियत क्या है, चलिए इसको समझ लेते हैं, राइट? वेस्लिम शेक की बात करूं तो वेस्लिम शेक, जब कोई व्यक्ति अपने शरीर को कम करता है, वजन को कम करता है, तो उसके वजह से उसके शरीर में पोषकीय तत्व की कमी होने लगती है, और जब वो उसको कमी होने लगती है पोषकीय तत्व की, तो उसको कमजोरी फील होती है, और कमजोरी फील होती है तो वो इंसान कहता है यार बाहर में जाए, मैं तो नहीं कर रहा वजन कम, मैं नहीं जा रहा जिम, मैं तो खाऊंगा, और वो वापस से खाना स्टार्ट कर देता है। क्यों? क्योंकि कमजोरी की वजह से। लेकिन जिस प्रोडक्ट की मैं बात कर रहा हूं उसका नाम है वेस्लिम शेक। इसमें 22 प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं, 9.78 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है और 4 ग्राम फाइबर पाया जाता है। ये क्यों जरूरी है? ये इसलिए जरूरी है ताकि जब आप अपने वेट को कम करोगे तो आपके शरीर के अंदर वो ताकत बनी रहना चाहिए, तभी तो आप अपने वेट को कम कर पाओगे। और इसी वजह से अधिकांश लोग ये क्या करते हैं, जिम करना छोड़ देते हैं और वापस से खाना स्टार्ट कर देते हैं। आपको बता दूं सबसे अच्छी बात, ये जो वेस्लिम शेक है वो मैंगो फ्लेवर्ड में। बहुत से लोग कहते हैं सर इतना महंगा है, रोज रोज दूध के साथ नहीं पी पाएंगे, तो वेस्टीज ने आपका काम और आसान करा और वेस्टीज ने इसको बनाया मैंगो फ्लेवर्ड में, यानी कि आप इसे पानी के साथ भी ले सकते हो और दूध के साथ भी ले सकते हो। ये आपकी हेल्थ को कन्वीनियंटली अच्छा रखेगा, वेट को रिड्यूस करने में मददगार साबित होगा, आपके शरीर में जाने के बाद अननेसेसरी फैट्स को, ये कैलोरीज को बर्न करने लग जाएगा। तो इसको लेना कब है ये मैं आपको आगे बताऊंगा, तब तक हम दूसरे प्रोजेक्ट की बात करते हैं। दूसरा है वेस्लिम कैप्सूल। 4 पावरफुल नेचुरल हर्बल इंग्रेडिएंट से बनाया गया है। इसमें ऑप्टेनिया वल्गारिस, राइट, गार्सनिया, कंबोजिया, फोलेसिस पिकोराइन और पिपराइन का उपयोग किया गया है। ये 4 पावरफुल नेचुरल हर्बल इंग्रेडिएंट से बनाया गया है
जैसे आप इसका सेवन करोगे शरीर के अंदर जाएगा और शरीर के अंदर जाने के बाद ये क्या करेगा, आपके मेटाबॉलिज्म लेवल को बूस्ट करेगा। मेटाबॉलिज्म जब लेवल बूस्ट होगा तो आपके शरीर के अंदर की जो चर्बी है ना, अनवांटेड फैट्स है, वो गलने लग जाएगा। अनवांटेड फैट्स जब गलने लग जाएगा, आप जिम जाओगे, एक्सरसाइज करोगे, रनिंग करोगे, तो ये आपको और एनर्जी प्रदान करने लग जाएगा। इसलिए इसके अंदर चार पावरफुल नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का उपयोग किया गया है। तीसरा है वेस्लिम टी। हम चाय पीने का बहुत शौक है हम सभी लोगों को, सुबह उठते साथ ही चाय, दोस्त के साथ कहीं घूमने गए तो चाय, घर में मेहमान आ गया तो चाय। अब सोचो चाय बनाने के लिए सबसे पहले करना क्या पड़ता है। बहुत से लोग बोलेंगे सर चाय बनाने के लिए तपेले पे पानी गर्म करना पड़ता है, लेकिन मैं कहूंगा चाय बनाने के लिए सबसे पहले गैस चालू करनी पड़ती है, फिर उसके ऊपर तपेला रखना होता है, फिर उसमें पानी डालो, फिर उसमें आप दूध डालो, फिर उसमें अदरक डालो, फिर उसमें चाय पत्ती डालो, फिर शक्कर डालो, अगर ज्यादा अच्छी चाय पीनी है तो लौंग डालो, और ज्यादा अच्छी चाय पीनी है तो उसमें पुदीना डालो, और ज्यादा अच्छी चाय पीनी है तो उसमें आप क्या करो अदरक डाल लो, राइट, और फिर 15 मिनट तक छुड़ाओ, उसके बाद आपकी चाय तैयार। अब चाय हम लोग पीते क्यों है? बहुत से लोग इसलिए पीते हैं ताकि आपकी नींद दूर हो जाए, बहुत से लोग इसलिए पीते हैं कि भाई भूख ना लगे, बहुत से लोग इसलिए पीते हैं कि मेरे को यार बॉस ने डाइट दिया, चले एक काम करते दोस्त अपन चाय पी कर आते हैं, होता है ना हमारे साथ, होता है एग्जैक्टली। लेकिन जिस चाय के बारे में मैं बात कर रहा हूं, इस चाय के लिए आपको ना तो आपको इसकी चाय पत्ती की जरूरत, ना ही आपको शक्कर की जरूरत, ना ही पानी गर्म करने की जरूरत, किसी भी चीज की जरूरत नहीं। आपको करना क्या है, सिर्फ फ्रिज का गेट खोलना है, ठंडा पानी निकालना है, एक गिलास पानी लेना है और उसमें 1 से 1.5 स्कूप इस चाय को मिलाना है और पी लेना है। इसके अंदर ग्रीन टी, ग्रीन कॉफी बीन्स और गासनिया कंबोजिया का मिश्रण किया गया है। अब एक चीज ध्यान से सुनना, जो लोग मोटापा कम करते हैं वो अधिकतर क्या पीते हैं बताओ जरा, वो लोग पीते हैं ग्रीन टी। एग्जैक्टली, आपने सही कहा, ग्रीन टी। अब आप देखो इसमें ग्रीन टी भी दे दिया, ग्रीन कॉफी बीन्स दे दिया और गासनिया कंबोजिया भी दे दिया। अब तीनों का मिश्रण कर दिया तो तीनों के मिश्रण से क्या होगा, इसमें हनी लेमन फ्लेवर्ड भी मिला दिया। हनी लेमन फ्लेवर्ड इसलिए मिला दिया ताकि आप इसको आसानी से इंटेक करें। अब ये क्या करेगा, आपको रिफ्रेश भी रखेगा, रिवाइटलाइज भी रखेगा और आपकी बॉडी को इंस्टेंटली क्या करेगा, अच्छा बनाए रखेगा। तो ये था हमारा वेस्लिम का टी। अब ध्यान से यहां पर देखिएगा, मैं आपको कुछ बताने वाला हूं और ध्यान दीजिए एक चीज और, मैं आज आपको बहुत अच्छी बता दे रहा हूं। बहुत से लोग क्या करते हैं, जब कोई व्यक्ति आता बोलता है यार मुझे मोटापा कम करना है, राइट, शायद मेरे से वो मिस हो गया, चलिए कोई बात नहीं मैं आपको बाद में बता दूंगा। चलिए तो अभी मैं आपको क्या बता रहा हूं वो ध्यान से सुनो। जब कोई व्यक्ति आता और हमसे कहता है यार मोटापा कम करना है, तो वो मोटापा कम करने के लिए बोलता है यार मेरे पास इतने पैसे नहीं है, तो हम लोग भी बहुत बड़े क्या है, भक्त है ना, तो हम लोग भी पता क्या बोलते हैं, एक काम करे यार तू तो है ना वेस्लिम शेक ले जा। अब एक बात बताओ, आपने वेस्लिम शेक दे दिया, उससे उस व्यक्ति का वेट कम तो नहीं होता और वेट बढ़ने लग जाता है, राइट, क्यों, क्योंकि उसको सही तरीका आप लोग बताते नहीं हो। अब यहां पे ध्यान से सुन लो, जब भी कोई व्यक्ति आपके पास आएगा आपको उससे 3 पक्के प्रॉमिस करवाने पड़ेंगे। कितने प्रॉमिस? 3 पक्के प्रॉमिस। पहला प्रॉमिस, जो प्रोडक्ट आप बता रहे हो जिस तरीके से बता रहे हो उसको लेने पड़ेंगे और सारे प्रोडक्ट लेने पड़ेंगे। ये नहीं कि मैंने वेस्लिम की दे दी तो वो मोटापा कम हो जाएगा, ये नहीं कि मैंने सिर्फ मैंगो शेक दे दिया तो मोटापा कम हो जाएगा, ये नहीं कि मैंने सिर्फ वेस्लिम कैप्सूल दे दिए तो मोटापा कम हो जाएगा, नहीं, इसका पूरा एक कॉम्बिनेशन होता है। अब एक बात बताओ, डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर से दवाई लिखवा के आते हो, डॉक्टर 5 से 6 प्रकार की दवाइयां देता है, तो आप उससे बोलते हो कि सर मुझे ये लाल कलर वाली दवाई पसंद नहीं है, ये मत दो मैं नहीं खाऊंगा, बोलते हो क्या? नहीं बोलते ना। आप क्या बोलते हो कि हाँ सर लिख के दे दीजिए हम खा लेंगे, और आप आके खाते भी हो। तो ठीक उसी तरीके से जब कोई व्यक्ति आपके पास आए और मोटापे को कम करने का बोले तो उसको प्रॉपर नॉलेज दो। आधा अधूरा नॉलेज सेहत के लिए हानिकारक होता है, इससे उसका वेट कम नहीं होगा और आपकी नेगेटिविटी बनेगी, इसलिए उसको प्रॉपर नॉलेज दो, उससे 3 प्रॉमिस करवाओ। पहला जो हम बता रहे हैं वैसा करना है, दूसरा दिन में कम से कम आधा घंटा, कितना, आधा घंटा एक्सरसाइज करना है। अब वो बोलेगा यार आधा घंटा पॉसिबल नहीं है, मैं कॉलेज जाता हूं स्कूल जाता हूं, तो उससे बोलो चलो हम आपका काम और आसान करते हैं, दिन भर में 3 टुकड़ों में 10-10 मिनट की क्या एक्सरसाइज नहीं कर सकते, आराम से कर सकते हैं, तो ये प्रॉमिस करवा लो। तीसरा और आखिरी प्रॉमिस ये है कि उसको रिस्ट वॉकिंग और एक्सरसाइज करनी पड़ेगी दिन भर में 10-10 मिनट के, राइट, तो ये 3 प्रॉमिस करवा लो। और 3 प्रॉमिस करवाने के बाद आप उसको वेस्लिम टी दो,
वेस्लिम शेक दो, वेस्लिम कैप्सूल दो, साथ ही साथ में स्पायरोलिना दो। क्या दोगे? स्पायरोलिना। अब इनको खाना कैसे? सुबह उठने के बाद हल्के गुनगुने पानी में क्या लेना है आपको? वेस्लिम के कैप्सूल्स, कितने? एक से दो कैप्सूल लेना है। ध्यान से लिख लो, सुन लो, समझ लो, एक से दो कैप्सूल। उसके साथ आपको देना है खाली पेट ही स्पायरोलिना। क्या देना है? स्पायरोलिना। राइट, अब ये दोनों चीज दे दी, उसने इंटेक कर लिया। उसके बाद वो अपनी चाय पी ले वेस्लिम की टी। वेस्लिम टी पीने के बाद वो करेगा नाश्ता। अब नाश्ते में क्या करना है? बहुत से लोग क्या करते हैं, नाश्ता खा लेते, पेट भर भर के खा लेते। तो भैया पेट भर के नहीं खाना है, थोड़ा थोड़ा खाओ, कम खाओ। ध्यान दो, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्या कहा? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किया है कि हमें नाश्ता करना चाहिए राजा महाराजाओं की तरह, हमें दोपहर का खाना चाहिए गरीबों की तरह, और रात का हमें खाना खाना चाहिए भिखारियों की तरह। मिल गया तो ठीक, ना मिला तो कोई बात नहीं। राइट, तो सुबह आप राजा महाराजाओं की तरह नाश्ता कर लो। नाश्ता करने के बाद आप एक गिलास दूध में या एक गिलास पानी में एक से दो स्कूप आप ले लो वेस्लिम के शेक के, उसको घोलिए और पी लीजिए। पीने के बाद आएगा अब आपका दोपहर का टाइम। दोपहर में आप अपना खाना खाइए। खाने में कोशिश करिए कि ज्यादा तेल का ना खाएं, ज्यादा तीखा ना खाएं। राइट, ये सब चीजें ना खाएं। और दोपहर में जब आप खाना खा लो तो खाना कैसा खाना है? जहां 6 रोटी खाते थे वहां 3 रोटी कर दो। राइट, जहां 10 रोटी खाते थे वहां 5 रोटी कर दो। जहां ढेर सारा चावल खाते थे वहां थोड़ा सा चावल खाओ। चावल क्या होता है? जब आप खाते हो पेट में जाता है, पेट में आप पानी पीते हो, तो वो चावल क्या करता है? फुलाने का काम करता है। इससे आपका शरीर और मोटा होने लग जाता है। तो चावल का इनटेक करना थोड़ा सा कम कर दो। अब आता है शाम का टाइम। शाम के टाइम पे हम लोग क्या पीते हैं? चाय। उस टाइम पे आप वापस से चाय पी लो। अब रात का समय आता है तो रात में हम क्या खाते हैं? खाना। तो यहाँ पे ध्यान दो, रात में उसे नहीं खाना है खाना, उसे क्या पीना है? सिर्फ और सिर्फ वेस्लिम शेक, वो भी हल्के गुनगुने दूध में ले लो, या ठंडे दूध में ले लो, या पानी में ले लो 1 से 2 चम्मच। और इस प्रक्रिया को कम से कम, अगर वो ये सारे प्रोडक्ट का उपयोग करता है और जो हमने बताया वो वैसा करता है, तो आने वाले 45 दिन में वो 5 से 8 kg वेट लूज कर सकता है। ये है वेस्टिज के प्रोडक्ट की ताकत। लेकिन अगर आप इसका नियमित तौर पे जो आपसे प्रॉमिस करवाए वो करेंगे तो ही संभव हो पाएगा। अगर आप बोलो कि वेस्लिम टील ले लूं उससे हो जाएगा, तो नहीं, बिल्कुल मना कर दो। अगर वो बोले कि वेस्लिम कैप्सूल ले लूं उससे हो जाएगा, तो नहीं। और चाय बनाने का मैं तरीका बता दूं, इसमें दूध नहीं मिलाना, इसमें ना ही कोई आपको चाय पत्ती मिलाना है, कुछ नहीं मिलाना है। सिर्फ पानी लो और पानी, ठंडा पानी फ्रिज का, और डालो 1 से 1.5 चम्मच, मिलाओ, घोलो और पी लो। और जिसको चुस्की मार मार के पीने का शौक है ना, उसका भी काम आसान करते हैं। वो हल्का सा गनगना पानी करे, उसमें 1.5 चम्मच डाल दे और वो उस तरीके से पी सकता है। तो ये बहुत ही अच्छे आपको रेस्पॉन्ड देगा और अच्छे रिजल्ट देगा। डायबिटिक पेशेंट को नहीं देते हैं ये। अब बात करेंगे डिटॉक्स एंड रिजुविनेशन। लेकिन अभी तक मैंने आपको 2 कैटेगरी की जानकारी दी, आपको प्रोहार्ट की जानकारी दी, आपको डायबिटीज की जानकारी दी, और आपको मोटापे की जानकारी दी, यानी कि 3 कैटेगरी करें। आपको ये जानकारी कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी तो चैट बॉक्स ओपन है, आप अपना फीडबैक शेयर कर सकते हैं। तब तक मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। थैंक यू एवरीवन। चलिए, डिटॉक्स एंड रिजुविनेशन। शरीर के अंदर की गंदगी दो ही प्रकार से बाहर निकल सकती, एक मल के द्वारा और दूसरा मूत्र के द्वारा। लेकिन आज की डेट में यह संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? गंदगी इतनी ज्यादा हो रही है। अब आप देखो, घर के बाहर आप निकलो मस्त तैयार होके, मेकअप लगा के, और आप घर के बाहर निकलो और गलती से किसी ट्रक के पीछे आ जाओ, तो क्या वो आपका मेकअप कोई काम का है? नहीं है ना, क्योंकि आपका मेकअप ऑलरेडी वो ट्रक वाला करके चला जाएगा। राइट, अब आप एक चीज सोचो, ये जो आप हाथ देख रहे हो ना, ये हाथ देख रहे हो, इन हाथों पे छोटे छोटे छिद्र होते हैं। राइट, ये देखिए, सबके हाथों में छिद्र हैं जहां से ये बाल उग रहे हैं। राइट, इन छिद्र के माध्यम से गंदगी अंदर जाती है। अब जो इंसान साफ सुथरा भी होता है ना, गंदगी जाने से क्या होता है? उसका शरीर मेला कुचैला हो जाता है। अब एक बात बताओ, आप घर के बाहर निकले हो और गलती से कहीं ट्रक के पीछे आ जाओ या फिर किसी धूल वाले एरिया में चले जाओ, तो क्या आप तुरंत वहां जाके नहा लेते हो? नहीं नहाते। आप क्या करते हो? दिन भर वो काम करते हो और शाम को आते हो। जब तक आप शाम को आते हो, तो इन छिद्र के माध्यम से, इन पोर्स के माध्यम से वो गंदगी शरीर के अंदर प्रवेश कर जाती है। इसलिए आपका चेहरा भी सांवलापन हो जाता है।
राइट। अब बहुत से लोग क्या करते हैं, जैसे चेहरा सांवलापन होता है तो इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, और वो कैसे बताऊंगा, तो ये देखो सबसे पहला जो प्रोडक्ट है वो है कर्कुमिन प्लस हल्दी। अच्छा, आप में से कितने लोग हल्दी का सेवन करते हैं? सभी हाथ उठाएं अगर करते हैं तो। देखिए सब हाथ उठा रहे हैं, जितने लोग हाथ उठा रहे हैं सारे के सारे झूठे, कोई हल्दी का सेवन नहीं करता। आप सब लोग सिर्फ सब्जी में चुटकी भर डालते हो टेस्ट के लिए और सेवन के लिए। अब बताओ क्या रोज एक चम्मच हल्दी खाते हो? अब उठाओ हाथ, अब नहीं हट रहा है हाथ, अब तो बिल्कुल मना कर रहा हूं, मंडी ऐसी हिल रही है, क्यों हिल रही भाई, है ना? देखो यही पकड़ा गए आप लोग, तो हम लोग कभी भी हल्दी का सेवन नहीं करते हैं। चलिए अब आपको इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं, और स्टोरी क्या है, आपको मालूम है कैंसर का आज तक कोई इलाज नहीं मिला, राइट? कैंसर का इलाज नहीं मिला तो अमेरिका वाले क्या करे, कैंसर का इलाज ढूंढ रहे थे। अब वो कैंसर का इलाज ढूंढ रहे थे तो उन्होंने कहा कि यार अमेरिका में तो इसका इलाज नहीं मिल पा रहा है, अपन एक काम करते हैं दूसरी कंट्री चलते हैं। तो वो लोग गए चाइना, उन्होंने कहा यार चाइना जड़ी बूटियों का देश है, यहां पर हमें पक्का इलाज मिल जाएगा। तो वो गए चाइना, उन्होंने इलाज ढूंढा, दो साल तीन साल वहां पे पूरी टीम को लेके गए, छानबीन करी, इलाज नहीं मिला। फिर वो लोग गए जापान, फिर वो लोग गए इटली, फिर वो लोग गए रशिया, हर देश घुमाए लेकिन उनको इलाज नहीं मिला। उन्होंने कहा यार अपन ने सारे देश तो घूम लिए लेकिन एक देश नहीं घुमाए, और वो है भारत, यानी कि इंडिया। चलो इंडिया में भी चलते हैं और इसका इलाज ढूंढ के आते हैं। वो जब यहां पर आए साइंटिस्ट वहां के इलाज ढूंढने के लिए, तो उन्होंने मात्र 10 महीने में भारत देश से इलाज ढूंढ के विदेश चले गए, और विदेश में इस इलाज का उनको एक तरीका मिल गया, और हम भारत देशवासी आज तक इस इलाज को नहीं समझ पाए। कैसे पता है? कैसे? हल्दी से। हल्दी एकमात्र ऐसा प्रोडक्ट है जो कैंसर जैसी बीमारी को क्योर करने में सक्षम है। भारत देश, भारत में यही हल्दी युगों युगों से, सदियों से, राजा महाराजाओं के जमाने से चली आ रही है, लेकिन हमें इसका बेनिफिट नहीं पता। अब एक बात बताओ, आपके घर में अगर किसी व्यक्ति को अंदरूनी चोट लग जाती है तो मम्मी कौन सा दूध पिलाती है? देखो सब मुंह से बोल रहे हैं हल्दी वाला, बिल्कुल सही। अगर किसी के शरीर पे घाव लग जाता है तो मम्मी कौन सा लेप लगाती है? हल्दी वाला। और अगर किसी के घर में शादी हो तो उस व्यक्ति को सातों दिन किस चीज से नहलाया जाता है? हल्दी से। और हल्दी से नहलाने का फायदा क्या होता है? अब आप बोलोगे सर गोरे हो जाते हैं, लेकिन वो गोरे नहीं होते हो। हल्दी क्या होता है, शरीर पे चिपकती है, चिपकने के बाद वो आपके शरीर से उस गंदगी को बाहर खींचने लग जाती है, राइट? तो इसलिए हल्दी को रामबाण बोला गया है कई मल्टीपल हेल्थ बेनिफिट्स के लिए। यस, ये मल्टीपल हेल्थ पोटेंशियल बेनिफिट्स को ठीक करता है हल्दी। हल्दी एक ऐसा प्रोडक्ट है जो सबसे ज्यादा बीमारियों को दूर करता है आपके शरीर से। अगर किसी व्यक्ति को कैंसर है, उस कैंसर वाले व्यक्ति की कीमोथेरेपी चल रही है, उस व्यक्ति को देना स्टार्ट कर दो, उसकी कीमोथेरेपी में ये मददगार साबित होगा, उनके सेल्स को डैमेज होने से बचाएगा, आपके शरीर के अंदर की गंदगी को बाहर निकालेगा, दिल से रिलेटेड बीमारियों को दूर करेगा, चलते वक्त उठते वक्त कट कट आवाज आना घुटनों में से या यहाँ पर जॉइंट्स में, तो ये जॉइंट्स के लुब्रिकेशन को ठीक करेगा, आपके अंदर की गंदगी को बाहर निकालेगा, और आपकी त्वचा के लिए भी बहुत फायदेमंद होगा। इसलिए कर्कुमिन प्लस जो है बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। इसे सुबह और शाम हल्के गुनगुने पानी में नहीं लेना है, इसे ठंडे पानी में लेना है, राइट? इसे कैसे लेना है? ठंडे पानी में लेना है, राइट? हल्के ठंडे पानी में सुबह और शाम ले लीजिएगा, बहुत अच्छा रिजल्ट प्रदान करेगा। गैनोडर्मा कैप्सूल, गैनोडर्मा इसे बोला जाता है औषधियों का राजा। क्या बोला जाता है? औषधियों का राजा, राइट? ये कुकुरमुत्ता करके एक प्लांट पाया जाता है, इसकी 90 से ज्यादा प्रजाति होती है, जिसमें से 8 से 10 प्रजाति होती है खाने लायक, बाकी सारी जहरीली होती है। और आपको बता दूं, हम लोगों को इसकी समझ नहीं होती, कभी जंगल में जाओ अगर मशरूम दिखे तोड़ के मत खा लेना, नहीं तो टैंटा फिश भी हो सकते हो, राइट? इसलिए इसकी जानकारी होनी जरूरी है। 8 से 10 प्रकार के ही ऐसे गैनोडर्मा पाए जाते हैं जो खाने लायक होते हैं, बाकी सारे जहरीले होते हैं। अब मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, अगर आपके शरीर में अंदरूनी चोट लगी है उसका पता करना है तो डॉक्टर कौन सी बताता है कि ये काम करो, ये वाली करवा के आ जाओ, क्या करवाने को बोलते हो बताओ? स्कैनिंग नहीं, एक्सरे। एक्सरे में तो हड्डी टूटी पता चलता है। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही आंसर लता पंचाल, सिटी स्कैन। सिटी स्कैन से शरीर के अंदर की अंदरूनी चोट पता चल जाती है। उसी तरीके से ये गैनोडर्मा है, इसको औषधियों का राजा कहा गया है। क्या कहा गया है? औषधियों का राजा।
क्यों कहा गया है? ये जैसे आप इसका सेवन करोगे शरीर के अंदर जाएगा और शरीर के अंदर जाने के बाद ये क्या करेगा, सिटी स्कैन का काम कर देगा, ये चीजों को ढूंढने लग जाएगा, ढूंढेगा कि भाई तुम्हारे शरीर की कौन सी कोशिकाएं डैमेज हैं या कोई कोशिकाएं जो मर चुकी हैं। तो ये क्या करता है, ये देखो यहाँ पे लास्ट लाइन में लिखा है विच हेल्प्स टू रीजनरेट एंड रिवाइटलाइज सेल्स रिमूविंग फ्री रेडिकल डैमेजेस। यानी कि अगर आपके शरीर में कोई घाव लगा जिसके वजह से आपको चोट लगी है और आपको पकड़ में नहीं आ रही है और जिस वजह से बहुत से लोगों के शरीर के सेल्स डैमेज होते हैं, तो ये सेल्स के डैमेज को क्या करने लगता है, रीजनरेट करने लगता है, मरी हुई कोशिकाओं को पुनर्जीवित करने लग जाता है। आप लोगों ने एक बीमारी का नाम सुना होगा साइट का, ये साइट का बीमारी क्या होती है, एकदम से नस तड़कती और वो व्यक्ति बिल्कुल ऐसे ही हो जाता है, अपने हाथ को भी मूव नहीं कर पाता, राइट। और साथ ही साथ में आपने एक और बीमारी का नाम सुना होगा लकवा, सुना है कि नहीं, लकवे में क्या होता है, इंसान का वो शरीर काम करना बंद कर देता है, राइट। तो आज मैं आपको जो बता रहा हूं ध्यान से सुन लो, ये ऐसा प्रोडक्ट है जो अगर किसी व्यक्ति को लकवा हुआ है या फिर उसको साइटका की बीमारी है तो ये उसको खत्म करने में सक्षम होता है। उसके लिए आपको करना क्या होगा, लकवे वाले व्यक्ति को आपको गेनोडर्मा देना है, फ्लैक्स ऑयल देना है, और फ्लैक्स ऑयल गेनोडर्मा के साथ साथ आपको देना है नोनी, राइट। फ्लैक्स ऑयल आपको उस व्यक्ति को खिलाना भी है, और अब ध्यान देना यहाँ पे आपको आज तक किसी ने नहीं बताया होगा, फ्लैक्स ऑयल के कैप्सूल को फोड़कर उस व्यक्ति के उस शरीर के हिस्से पे लगाओ जिस शरीर पे लकवा मारा है। अब ये फ्लैक्स ऑयल क्या करता है, ये मसल्स को क्या करता है, मजबूती प्रदान करता है, ताकत देता है। तो जब आप मसल्स को उससे मालिश करोगे शरीर पे लगा के, तो उसकी नसों में जान आने लग जाएगी, और गेनोडर्मा यहाँ पे क्या करेगा, उस मरी हुई कोशिकाओं को जीवित करेगा। अब देखो यहाँ पे आप लगा रहे हो फ्लैक्स ऑयल का तेल, अब ये फ्लैक्स ऑयल का तेल लग रहा है और आपके शरीर के अंदर जो गया हुआ गेनोडर्मा है, तो वो गेनोडर्मा क्या कर रहा है, सेल्स को जीवित करने की कोशिश कर रहा है, और आप यहाँ पे लगा रहे हो तेल, तो इससे क्या होगा, जब आपके तेल लगेगा फ्लैक्स ऑयल, वो आपकी मसल्स को मजबूती प्रदान करेगा, और यहां से ये गेनोडर्मा क्या करेगा, उस सेल्स को कहेगा ए भाई उठ जा, सो मत, उठ जा, जल्दी उठ जा, तेरे को वापस से काम करना है। इस तरीके से उस व्यक्ति के शरीर के अंदर का क्या होगा, लकवा भी जाएगा, साथ ही साथ में उस व्यक्ति के शरीर की मसल्स भी ठीक हो जाएगी। इसलिए इसको एनालेगिक एंड मसल्स रिलैक्सिंग प्रॉपर्टीज कहा गया है, और ये युगों युगों से इसका उपयोग होता आ रहा है, चाहो तो YouTube पे भी देख सकते हो। मैंने कहा था ना बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन आज आपको पता चल गया। डिटॉक्स पैचेस, सबसे आसान तरीका शरीर के अंदर की गंदगी को बाहर निकालने का। आपको बता दूं, जैसे कि मैंने बताया था ये जो पैर देख रहे हैं ना, पट्टी बंधी है, यहाँ पे बीच में एक मुख्य एक्यूपंचर पॉइंट होता है, और हाथों में रात के टाइम जब आप सोते हो ना, तो आपके एक्यूपंचर पॉइंट्स प्रेस करना काम करना बंद कर देते हैं, और उस समय पे आपके शरीर के अंदर की गंदगी काम करना स्टार्ट कर देती है। आपके शरीर के अंदर केमिकल, सेलुलाइट, पैरासाइट और कई प्रकार की गंदगी काम करती है। तो आपको क्या करना है, रात को सोने के पहले हल्के गुनगुने पानी से या ठंडे पानी से अपने पैर के तलों को अच्छे से घिस के साफ कर लीजिए। साफ करने के बाद इस फुट पैचेस को निकालिए, इसको पट्टी में इस तरीके से चिपकाइए और बांध लीजिए और सो जाइए, राइट। जब सुबह उठोगे तो बहुत ही गंदा मेला बदबूदार पदार्थ निकलेगा, वो होता है सेलुलाइट, पैरासाइट्स, केमिकल्स, इन सब चीजों को वो खींच के बाहर निकाल देता है। अब इसकी एक और खासियत बता दूं, अगर किसी व्यक्ति के किडनी पे स्टोन है, जो स्टोन पथरी बोलते हैं जिसको हमारी लैंग्वेज में, तो पथरी को निकालने में भी ये सक्षम होता है, करकुमिन पथरी को गलाने में सक्षम होता है, राइट। तो ये इतने सारे पोटेंशियल बेनिफिट्स निकालता है हमारे शरीर में, शरीर के अंदर की गंदगी को बाहर निकालने का कार्य करता है डिटॉक्स फुट पैचेस। इसको हफ्ते में सिर्फ 2 बार उपयोग करेंगे, कितना, 2 बार सिर्फ गंदगी निकालने के लिए। और अगर किसी को किडनी में या फिर लीवर के पास कोई पथरी है, तो उस व्यक्ति को हफ्ते में 3 बार उपयोग करवाओ, राइट। इसको रोज उपयोग नहीं करना है, ध्यान देना। आगे बढ़ते हैं, फाइबर। आप में से कितने लोगों के घर में गेहूं आता है, हाथ उठा के बताएं, क्या बात है, सुनीता जी ने हाथ नहीं उठाया, अश्विनी जी ने भी हाथ नहीं उठाया, डरिए मत, मैं कुछ गलत नहीं बोलूंगा राइट। तो चलिए, अश्विनी जी ने हाथ उठाया, भैया हमारे घर में गेहूं आता है। अब आपके घर में गेहूं आता है, तो क्या आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो उस गेहूं को पिचवाने के लिए आटा चक्की पे जाता है? अगर आटा पर चक्की पे जाता है तो फिर से हाथ उठाइए। चलिए, आपने हाथ उठा दिया कि चलिए आटा चक्की पे भी पिसवाने जाते हैं, वेरी नाइस। अब जब आटा चक्की पे आप पिसवाने जाते हो, जाए कोई व्यक्ति जाता है, तो हमारे घर की महिलाएं क्या कहती है, जरा ध्यान से सुनना, हमारे घर की महिलाएं कहती हैं,
एकदम बारीक पिसवा के आना। क्या बोलती है? एकदम बारीक पिसवा के आना। और हम लोग जाते हैं एकदम बारीक पिसवा के लेकर आते हैं, राइट। अब बारीक पिसवा के लाने के बाद भी ध्यान से सुनो, हमारे घर की महिलाओं को संतुष्टि नहीं होती। छन्नी ली और छाना और उसमें से बचा कुचा हुआ फाइबर निकाल के फेंक दिया। अब आपको बता दूं, गेहूं के अंदर सबसे ज्यादा फाइबर पाया जाता है। अब आप एक बात बताओ, जब बीमार पड़ते हो डॉक्टर क्या खाने को बोलता है? दलिया। क्यों बोलता है? क्योंकि वो आसानी से पच जाता है। कभी सोचा आपने? नहीं सोचा। अब आप सोचो, एक ही घर में रहने वाले होते हैं पांच, हर शरीर की बनावट अलग होती है। कुछ मोटे होते हैं, कुछ और ज्यादा मोटे होते हैं, कुछ एकदम दुबले पतले होते हैं, कुछ अच्छे खासे होते हैं और कुछ बिल्कुल खासे ही नहीं होते हैं। तो क्यों? क्योंकि हर एक शरीर की पाचन क्रिया की शक्ति अलग तरीके से कार्य करती है और उसको चाहिए होता है फाइबर, जो कि हम देते नहीं है। हम फाइबर को, बचा कुचा फाइबर भी निकाल के फेंक देते हैं। अरे कौन खाएगा, रोटी अच्छी नहीं बनती। अरे जरा ये सोचो, आपकी रोटी हल्की सी जल जाएगी। आटे को हमेशा, गेहूं को हमेशा दरदरा पिसवाना चाहिए। इससे क्या होगा, आपके शरीर को फाइबर मिलेगा। फाइबर मिलने से क्या होगा, जो आपके घर में है ना मोटापे के शिकार हो रहे हैं, वो कभी मोटापे के शिकार नहीं होंगे। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, हम दरदरा पिसवाएंगे ही नहीं, हम बारीकी पिसवाएंगे। क्यों? क्योंकि रोटी बननी चाहिए गोल और एकदम सफेद, राइट। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो तो कोई बात नहीं, वेस्टीज ने तीन नेचुरल सोल्यूबल फाइबर सोर्सेस को मिला के, चाइक्री रूट एक्सट्रैक्ट, माइल्टोडेक्सट्रिन और गुआर गम का मिश्रण करा के बनाया है वेस्टीज फाइबर। लो कैलोरिक है, हाई इन फाइबर है, आपके शरीर के अंदर जाएगा और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करेगा, आपके वेट को कंट्रोल करने में भी मददगार साबित होगा वेस्टीज का फाइबर। तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं सुबह और शाम, राइट। फुट पैचेस का बता चुका हूं कब लगाना है, फाइबर का उपयोग करना बता कर चुका हूं, खाना खाने के बाद लीजिए और अच्छा रिजल्ट करेगा। अब चलिए, अब आते हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे जिसका नाम है आई सपोर्ट। चलिए, कितने लोगों को अपनी आंखें प्यारी हैं? मुझे तो अपनी आंखें प्यारी, मैं तो हाथ उठा रहा हूं। और जो लोग एक हाथ उठा रहे हैं उनके लिए मैं बोलना चाहूंगा, नेत्रदान महादान। हाथ उठाओ तो दोनों उठाओ ना भैया, राइट। चलिए, अब आप लोग हाथ उठा रहे हो कि भैया सबको अपनी आंखें प्यारी हैं, लेकिन सबके सब यहाँ पे झूठे हैं, सब झूठ बोल रहे हैं। पूछो कैसे, राइट। मैं बताता हूं आपको कैसे। जैसे रात को 10 बजता है, कमरे की पूरी लाइट बंद और अपना हथियार निकल गया। उस हथियार का नाम क्या है? मोबाइल। बस जैसे ही लाइट बंद, मोबाइल निकला, आप सोचो लाइट बंद करके जब आप मोबाइल चलाते हो ना, तो ये जो मोबाइल देख रहे हैं ना आप, ये मोबाइल देख रहे हैं, इसमें से निकलती इंफ्रारेड रेज। क्या निकलती है? इंफ्रारेड रेज, राइट। अब ये इंफ्रारेड रेज क्या करती है, आपकी जो ये आंखें देख रहे हैं, आंखों में जो पुतलियां दिख रही है ना, जिनको हम क्या बोलते हैं, रेटिना, राइट। ये रेटिना के अंदर एक चिकना तेलीय पदार्थ होता है जिसको बोलते हैं ल्यूटिन। क्या बोलते हैं? ल्यूटिन। अब ये क्या करता है, जैसे आप लाइट बंद करके अपने मोबाइल को चलाते हो, आपके मोबाइल से निकलने वाली इंफ्रारेड रेज आपके रेटिना पे कॉन्टेक्ट करती है, और जैसे रेटिना पे कॉन्टेक्ट करती है तो आपके अंदर, आंखों के अंदर जो लिक्विड है जिसको बोलते हैं ल्यूटिन, वो उस ल्यूटिन को ऐसे सिकुड़ने लगता है और आपकी आंखें भी देखना सिकुड़ने लग जाती है। और आपने कभी कभी नोट भी करा होगा, बहुत ज्यादा देर तक मोबाइल चलाने के बाद एकदम से हटाओ तो आंखों के सामने धुंधलापन आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि आपके आंखों का ल्यूटिन कम होने लग जाता है, इस वजह से दूर का दिखना कम हो जाता है, माइग्रेन की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, चश्मा लग जाता है -10, -11, -5 तक का। अगर वाकई में आपको अपनी आंखें प्यारी हैं, तो आज मैं जो बता रहा हूं ये कर लो। अगर डेढ़ से दो साल, ध्यान से सुनना, मैंने एक साल छह महीने एक महीने नहीं बोला, 1.5 से 2 साल लगातार खा लिया ना, मैं कहता हूं आपको -15 का भी चश्मा होगा ना, आपके आंखों से चला जाएगा और आपको कभी चश्मे की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसके अंदर मैरीगोल्ड बिलबेरी एक्सट्रैक्ट का मिश्रण किया गया है, राइट। अब ध्यान से सुनो, इसको लेना कैसे, इसको लेना है आपको सुबह शाम खाना खाने के बाद, इसके साथ लेना है स्पाइरुलिना दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम खाना खाने के बाद 1-1 कैप्सूल, गैनोडर्मा सुबह दोपहर शाम 1-1 कैप्सूल दिन में 3 बार, और नोनी सुबह शाम। इन 4 प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके आप इसका मिश्रण करके खाना शुरू करो। जैसे ही इसको खाओगे, आप देखोगे धीरे धीरे आपके शरीर में चेंजेस आएगा, आपको दूर का दिखना सही हो जाएगा, आपका नाइट विजन मजबूत हो जाएगा। अगर आपने देखा होगा कुछ व्यक्ति को जिनको चश्मे लगे, हल्का सा हटा दें, उनके आंखों से पानी बहने लगता है, आंखों में कीचड़ आने लग जाती है, आई इरिटेशन होने लगता है, सर दुखने लगता है चश्मा हटा दो तो। अगर आप चाहते हैं कि अगर ये सारी चीजें आपको ना हो,
तो आप इसका उपयोग करना शुरू करो। ये आपके अंदर आंखों के अंदर का जो रेटिना है ना, रेटिना के अंदर जो ल्यूटिन चिकना तेलीय पदार्थ है उसकी मात्रा को बढ़ाएगा। उसकी मात्रा बढ़ने से आई साइट बढ़ जाएगी, नाइट विजन तेज हो जाएगा और आपकी इरिटेशन आए क्योंकि जो इरिटेशन है वो भी दूर हो जाएगी। साथ ही साथ में आपके आंखों की जो नसें होती हैं वो दिमाग से जुड़ी होती हैं, राइट। तो ये क्या करेगा, उनकी मसल्स की डीजनरेशन मस्कुलर को मजबूती प्रदान करेगा। रेटिना से लेकर रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशन है उसको दूर करने का कार्य भी करेगा वेस्टिज का आई सपोर्ट। आई होप मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो चैट बॉक्स ओपन है, आप अपना फीडबैक शेयर कर सकते हैं। तब तक मैं वापस से थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी भी कंटिन्यूअसली 200 से ऊपर का पैक्स बना हुआ है और समय हो चला है 10:05। अब यहाँ पे आ रहा है वुमेन्स हेल्थ। मैं आप लोगों से सामने से ही पहले ही बोल दे रहा हूँ कि वुमेन्स हेल्थ के प्रोजेक्ट की ज्यादा डिटेल मैं नहीं दूंगा, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे शब्दों का उपयोग करना पड़ता है जिसमें कई लोगों को ये इन्फॉर्मेशन बुरी लग जाती है। लोग कहते हैं कि सूरज सर कैसी अभद्र बातें कर रहे हैं, तो इसमें कुछ ऐसे वर्डिंग्स का यूज करना पड़ता है। तो मैं आपको एक छोटी सी हिदायत दूंगा, अगर आप इस वुमेन्स हेल्थ से रिलेटेड जानकारी चाहते हैं तो रोज सुबह 9 से 11 बजे के बीच में एक ट्रेनिंग होती है प्रणाली दाते के माध्यम से, आप उसमें इन प्रोडक्ट का ज्यादा नॉलेज ले सकते हैं, इसलिए मैं इसको स्किप करूंगा। और साथ ही साथ में यहाँ पे आपसे क्षमा चाहूंगा क्योंकि उनमें कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका उपयोग करना होता है, बहुत सी महिलाओं को बुरा लग जाता है या फिर पुरुषों को बुरा लग जाता है, इसलिए मैं इसका उपयोग यहाँ पे नहीं करूंगा, मैं आपको इसकी जानकारी नहीं दे पाऊंगा। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, राइट। अब बात करते हैं ज्वाइंट्स एंड बोन्स हेल्थ। अच्छा, आप मुझे बताइए शरीर में 6 मुख्य ज्वाइंट्स होते हैं, कहाँ कहाँ होते हैं? अब बहुत से लोगों को नहीं पता होगा कि कहाँ कहाँ होते हैं, लेकिन मैं एक ऐसा सवाल करूंगा तो आप झट से बता दोगे कि 6 मुख्य ज्वाइंट्स कहाँ पे होते हैं। चलो मैं बताया क्या सवाल करूंगा, शरीर में सबसे ज्यादा दर्द कहाँ होता है? देखो, अब आप क्या बोलोगे, सर कमर में, सर एड़ी में, सर घुटनों में, 3 तो आपने बता ही दिए। आपके हाथों के ये देखिए 6 मुख्य ज्वाइंट्स होते हैं, वो कहाँ कहाँ होते हैं जरा देख लीजिए। ये है शरीर के जो लाल लाल डॉट्स देख रहे हो, ये होते हैं 6 मुख्य ज्वाइंट्स। एक आपके कंधे पे, एक आपके कोहनी पे, एक आपके हाथों के ये यहाँ पर, राइट, दूसरा आपकी कमर में, चौथा आपके घुटने में और छठवा आपकी एड़ी में। ये 6 मुख्य ज्वाइंट्स होते हैं। इन मुख्य ज्वाइंट्स के बीच में जो ये हड्डियां होती हैं, उस हड्डी के बीच में कार्टिलेज होता है, एक रबर जैसा फॉर्म होता है। उस रबर के बीच में एक लिक्विड होता है, उस लिक्विड को बोलते हैं साइनोवियल फ्लूइड लिक्विडेशन। जब ये साइनोवियल फ्लूइड लिक्विडेशन कम होने लगता है तो ये जो आपके कार्टिलेज है आपस में चिपक जाते हैं। अब जब रबर को आप चिपकाओगे जोरों से तो वो क्या होगा, घिसने लगेगी, और जब ये घिसने लगती है तो ये आपके हड्डियां क्या होती है, आपस में ऐसे टकराने लगती है, और इसी टकरावट से आपके शरीर में दर्द होता है। यानी कि आपकी कमर में दर्द होना, पीठ में दर्द होना, एड़ी में दर्द होना, यही रीजन है, राइट। बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं ये रीजन नहीं होता, लेकिन यही रीजन होता है, और ये अक्सर 30 से 35 साल के ऊपर के आयु के लोग को होता है, लेकिन आज के डेट में ये हर किसी को हो रहा है। क्यों? क्योंकि साइनोवियल फ्लूइड लिक्विडेशन की कमी पड़ जाती है। तो आपको बता दूं, अगर आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है, चाहे वो बुजुर्ग हो या फिर कम उम्र का भी हो, और अगर उसके जॉइंट्स में बहुत ज्यादा पेन रहता है तो उस व्यक्ति को आपको क्या देना है और इससे क्या फायदा होगा ये मैं बता देता हूं। अगर आपका कार्टिलेज चेंज हुआ है, किसी ने ऑपरेशन करवा के कार्टिलेज बदलवाया है, तो ये आपके कार्टिलेज को प्रोटेक्ट करेगा ग्लूकोसामाइन, और साथ ही साथ में उस कार्टिलेज को नया जैसा बना के रखेगा, और नया जैसा बना के रखने के साथ आपके साइनोवियल फ्लूइड लिक्विडेशन की मात्रा को बढ़ाएगा। साइनोवियल फ्लूइड लिक्विडेशन की जब मात्रा बढ़ेगी तो आपका जो लुब्रिकेशन है, जो जॉइंट्स के ऊपर लुब्रिकेट होते हैं, वो उसको ठीक करेगा और आपके दर्द होना दूर हो जाएगा। इसके साथ आपको 3 प्रोडक्ट और लेने हैं, इसका कॉम्बिनेशन बनाना है। ग्लूकोसामाइन के साथ आपको लेना है कैल्शियम, साथ ही साथ में फ्लैक्स ऑयल, और साथ ही साथ में आपको एक और प्रोडक्ट लेना है, उसका नाम है कोलेजन, राइट। अब आपको बता दूं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के एक सर्वे के अनुसार एक छोटे से बच्चे को रोज 1000 से 1300 मिलीग्राम कैल्शियम खाना चाहिए। हम खिलाते हैं? नहीं। हम जैसे एडल्ट मेल फीमेल को 1000 से 1200 मिलीग्राम कैल्शियम खाना चाहिए, क्या हम लोग खाते हैं? नहीं। और सबसे ज्यादा 1300 मिलीग्राम कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है एक प्रेग्नेंट लेडी को, रोज खाना चाहिए, तब भी हम उसे नहीं खिलाते हैं। तो ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के सर्वे के अनुसार इतना रोज खाना चाहिए कैल्शियम, राइट।
तो आप ये कैल्शियम ले सकते हैं और ये रहा कोलेजन। अब कोलेजन का कार्य क्या है? कोलेजन का कार्य यह है कि आपने जब ऑपरेशन करवाया या फिर आपके पैर के अंदर के जो टिश्यूज हैं उसको ये क्या करता है, हेल्दी बना के रखता है, जॉइंट्स के हेल्थ को सपोर्ट करता है यानी कि उनको घिसने से रोकता है, फ्लेक्सिबिलिटी, जैसे कि देखिए अभी आप ऐसा हाथ मूव कर पा रहे हैं, ऐसे मूव कर पा रहे हैं, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी को अच्छा बना के रखता है। साथ ही साथ में आपके शरीर में जहां पे जोड़ों में पेन हो रहा है ये उस पेन को दूर करता है। और जैसे ही आप देखेंगे कि आपका जो पैर होता है, जो ये जॉइंट्स होते हैं, इनके बीच से नसें भी जाती हैं, तो इन नसों को क्या करता है, मजबूती प्रदान करता है और साथ ही साथ में डाइजेस्टिव सिस्टम को भी हेल्दी रखने का कार्य करता है वेस्टिज का कोलेजन। तो आई होप मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको आज अच्छी लगी होगी और मैं आपको अच्छी तरीके से समझा पाया होऊंगा। तो आज हमारे यहाँ पे जो ट्रेनिंग थी प्रोजेक्ट से रिलेटेड वो यहीं पे समाप्त होती है और यहाँ पे मैं ओवर टू यू अश्विनी सर, आपको वापस से बुलाना चाहूंगा। यस, थैंक यू सो मच। और आपकी जो ट्रेनिंग होती है वो एक्चुअली ऐसा नहीं लगता कि हम प्रोडक्ट ट्रेनिंग सुन रहे हैं, हमें ऐसा लगता है कि हम एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी जो है एक चल रही है जिसको हम सुन रहे हैं और इसको ये ऐसी होनी चाहिए जो खत्म ही ना हो, मजा आ जाता है सच में। थैंक यू सर। जो आपका 9:05 से लगातार उसी तरीके से आपने बताया और ऐसा भी नहीं किया कि जल्दी करने के लिए बहुत तेजी से आगे स्किप किया हो, बहुत ही शानदार। और आज बहुत सारी नई चीजें पता चली। जैसे चलिए सर, इस नई चीज में कुछ एडिंग करना चाहता हूँ, इफ यू डोंट माइंड, क्या आप मुझे वो मौका देंगे तो मैं उसको ऐड कर सकूं? जी श्योर। एक मिनट का समय दीजिएगा, एक मिनट का समय दीजिए। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पे मैं जो बताना चाहता हूँ उसको ध्यान से सुनिए। बहुत से लोग होते हैं और उनका सवाल होते हैं कि सर कौन सी बीमारी में कौन से प्रोडक्ट दें, और उसके लिए मेरे को कंटिन्यूअसली कॉल करते रहते हैं। मैं यहाँ से कॉल डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ तब भी कॉल करते रहते हैं। अब आप सोचिए, जिस तरीके से मैं अभी मीटिंग कर रहा हूँ, मेरे पास अभी भी, मैं देख रहा हूँ इस मोबाइल पे कम से कम मेरे पास 15 मिस कॉल पड़े हुए हैं, राइट? मैंने उठाए नहीं, क्यों? क्योंकि मैं ट्रेनिंग में हूं तो मैं अभी नहीं उठा सकता। तो आज आप लोगों का काम आसान करता हूं, मैं आपको कुछ जानकारियां दे रहा हूं, उसको नोट डाउन करना स्टार्ट कर देना। पहले ही बता रहा हूं, नोट डाउन करना स्टार्ट कर देना कि कौन सी बीमारी में क्या प्रोडक्ट देना है, आज आपको यहां पे पता चलने वाला है, ठीक है? तो कौन सी बीमारी में क्या प्रोडक्ट देना है यहां पर लिखा हुआ, ध्यान से देखिए। और साथ ही साथ में जो प्रोडक्ट मैं ऐड करने का बोलूंगा वो भी लिख लेना। डायबिटीज, अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज है तो उसको देना है नीम, स्पायरुलिना, गैनोडर्मा, फ्लैक्स ऑयल, और स्टीविया, राइट? नीम, स्पायरुलिना, गैनोडर्मा, स्टीविया, फ्लैक्सीड ऑयल, ये आपको 5 प्रोडक्ट देना है डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए, राइट? अगर किसी व्यक्ति को अस्थमा की प्रॉब्लम है तो अस्थमा में क्या देना है, नीम, नोनी, गैनोडर्मा, स्पायरुलिना और रेस्पोकेयर और एयर प्यूरिफायर देना मत भूलना। ये 2 प्रोडक्ट ऐड करना कंपलसरी है अस्थमा वाले पेशेंट को। और जो अस्थमा वाला पेशेंट है हमेशा याद रखना उसके बाजू में लगा रहना चाहिए एयर प्यूरिफायर, और जो रेस्पोकेयर है उसको दिन में 3 बार खिलाना है, सुबह दोपहर शाम खाना खाने के बाद 1-1 कैप्सूल रेस्पोकेयर देना है, ठीक है? ये अस्थमा वाले पेशेंट के लिए। तो इसको लिख लीजिए, ये आपके लिए बहुत आगे की जानकारी रहेगी ताकि आपको लोगों को बताने में परेशानी नहीं है। दिल से रिलेटेड बीमारियों के लिए ध्यान से सुनिएगा यहाँ पे क्या देना है, और जो मैं ऐड करने को बोल रहा हूँ वो भी लिख लीजिएगा। यहाँ पे देना है फ्लैक्सीड ऑयल, स्पायरुलिना, गैनोडर्मा, कोएंजाइम Q10, LRG9, कोकोनट ऑयल कैप्सूल और फुट पैचेस। क्या मैं दोबारा आपको बताऊं क्या क्या देना है? आपको देना है फ्लेक्सीड ऑयल, स्पायरुलिना, गैनोडर्मा, कोएंजाइम Q10, LRG9, कोकोनट ऑयल कैप्सूल और फुट पैचेस। इन सब चीज का कॉम्बिनेशन देना है। नेक्स्ट, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम, इसमें क्या क्या देना है, कैल्शियम, स्पायरुलिना, गैनोडर्मा, ग्लूकोसामाइन, इसके साथ जोड़ लीजिए फ्लैक्स ऑयल और फुट पैचेस।
फ्लेक्सोइल और फुट पैचेस, कैल्शियम, स्पायरुलिना, गैनोडर्मा, ग्लूकोसामाइल, फ्लेक्सोइल और फुट पैचेस, एनीमिया की प्रॉब्लम में, राइट, प्रोटीन पाउडर, नोनी, गैनोडर्मा, स्पायरुलिना और फुट पैचेस, इसके साथ भी फुट पैचेस को ऐड करिए, प्रोटीन पाउडर, नोनी, गैनोडर्मा, स्पायरुलिना, फुट पैचेस, प्रोटीन पाउडर, नोनी, गैनोडर्मा, स्पायरुलिना और फुट पैचेस। वेट कंट्रोल करने के लिए वेस्लिम की पूरी रेंज, यहां पे ध्यान से सुन लो, वेस्लिम की पूरी रेंज, वेस्लिम की पूरी रेंज यानी वेस्लिम की, वेस्लिम शेक और वेस्लिम कैप्सूल प्लस एलोवेरा, गैनोडर्मा और स्पायरुलिना, एलोवेरा, गैनोडर्मा और स्पायरुलिना, एलोवेरा, गैनोडर्मा, स्पायरुलिना, ये देना ही देना अनिवार्य है। कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम में नोनी, एलोवेरा, गैनोडर्मा, डाइट्री फाइबर और फुट पैचेस, इसमें याद रखिए कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम में जो फुट पैचेस दोगे उस व्यक्ति को एक हफ्ते में एक बार लगाने को बोलना है, ये लिख लो बीजल जी, लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेने से कुछ नहीं होगा। फुट पैचेस इस प्रॉब्लम में क्या करना है, फुट पैचेस कब लगाना है, एक हफ्ते में एक बार, नोनी, एलोवेरा, गैनोडर्मा, डाइट्री फाइबर और फुट पैचेस। सोराइसिस की प्रॉब्लम में देख लीजिए नोनी, नीम, गैनोडर्मा और फुट पैचेस। समय पे खाइए, समय पे सोइए, गैप रखिए डेढ़ घंटे का, डिनर करने के साथ जब सोने जाओगे उससे पहले डेढ़ घंटे का गैप रखिए, डिनर में भी डेढ़ घंटे का और सोने के पहले भी डेढ़ घंटे का। कम से कम रोज 3 किलोमीटर चलिए, आप लोग स्वस्थ रहेंगे और स्वस्थ भी रहेंगे। टेक मेडिसिन एज प्रिस्क्राइब्ड योर फिजिशियन, जो मैंने आपको बताया उस तरीके से लेंगे तो आप सेवन सही करेंगे। ज्यादा से ज्यादा वेजिटेबल्स का मिनिमम खाना खाइए, वेजिटेबल खाइए, एक फ्रूट रोजाना खाइए और नॉन वेज खाना कम करो, कम करो, बंद करने का नहीं बोल रहा हूं, या तो कम कर दो या फिर बंद करना है तो बंद कर दो, इससे आप स्वस्थ रहेंगे। आई होप मैं आपको समझा पाए। ओवर टू यू अश्विनी सर। चलिए सर, ये एक और एडिशन आपने सर बहुत बढ़िया आपने बताया, क्योंकि ये प्रॉब्लम अक्सर लोगों की होती है और बाद में भी पूछते हैं कि इसके लिए क्या देना है क्या नहीं देना है, तो बहुत सारी चीजें आपने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जो बड़ी डिसीजेज है उनके बारे में आपने बता दिया कॉम्बिनेशन, तो काफी लोगों को इससे में हेल्प मिली होगी। और सच में आपने एक एक प्रोडक्ट जो है बहुत ही अच्छे से बताया और बहुत डिटेल में बताया और मजा आ गया सच में। और मैं चाहूंगा कि कुछ लोगों के साथ में जरा उनसे रेस्पॉन्स भी ले लूं। यस सर, डेफिनेटली यस। तो हमारे बीच में क्राउन डायरेक्टर में सुनीता जी है ही हैं, तो सुनीता जी से ही पहले बात कर लेते हैं। श्योर। यस सर, थैंक यू सो मच सूरज सर, वंडरफुल सेशन। थैंक यू। इस सेशन के बारे में तो हम क्या बोले, इतना मतलब मुझे तो हंसी नहीं रुक पा रही थी, इतना एंजॉय किया और ऐसे दिमाग में बैठ गई सारी बातें, बहुत मजा आया सर। नींद पूरी भाग गई हमारी, सेशन सुनकर नींद आ रही थी तो वो नींद सारी भाग गई है। Thank तो बहुत ही रियली ये ना जो लास्ट में आपने जो बताया था कॉम्बिनेशन के साथ में, क्योंकि मैं खुद परेशान हो जाती, इतने सारे कॉल्स आते हैं दिन भर में कि इसके लिए क्या देना है, उसके लिए क्या देना है, तो ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होगा सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और जो सीएनटी आपका जो भी ट्रेनिंग है, हम अश्विनी सर से रिक्वेस्ट करेंगे कि बार बार आप हमारे बीच आते रहे और हमको ट्रेनिंग देते रहे ताकि हम नॉलेज लेकर हमारे बिजनेस को आगे बढ़ा पाए। थैंक यू सर। थैंक यू। आपको एक गुड न्यूज दे दूं सुनीता मैम, मेरी लगभग एक हफ्ते पहले बात हुई थी अश्विनी सर से, तो अश्विनी सर ने मुझे बोला कि सूरज जी जब ये लॉकडाउन खत्म होगा ना तो आपको हमारे स्टेट में आना है और पर्सनली यहाँ पे फिजिकल ट्रेनिंग करनी है, तो बहुत जल्दी मैं आपके अहमदाबाद में या फिर सूरत में आऊंगा डेफिनेटली और वहां पे ये ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करूंगा आपके लिए। जी जी सर, हम तो तेलंगाना में रहते हैं सर, तेलंगाना आना पड़ेगा आपको। आप वहाँ अपने वहाँ के आप अपने लीडर से बोल दो, हम वहाँ भी आ जाएंगे मैडम। बिल्कुल सर, बिल्कुल बुलाना ही है, आदिलाबाद में भी बुलाना है। आदिलाबाद में बहुत बड़ी टीम है सुनीता जी की, पूरे तेलंगाना में है और आंध्र प्रदेश में भी है। बट मैम तेलंगाना में मेरा लैंग्वेज समझ में आएगा लोगों को?
बिल्कुल आ जाएगा। क्योंकि मैम देखिए मैं आपको बता दूं, मेरे को नो लैंग्वेज आती है, लेकिन उसमें तेलंगाना नहीं आती है, साउथ नहीं आती है। मेरे को अमेरिकन इंग्लिश आती है, जापानीज आती है, इंडोनेशियन आती है, भाषा कैंटोनीज, फ्रेंच, रशियन, गुजराती एंड हिंदी। मैंने गुजराती समझ में आवड़े छे, हूँ गुजराती बोलू छू। क्या बात है, तो थोड़ा सा गुजराती वहाँ पे, जब आप गुजरात में आएंगे तो यहाँ पे आप थोड़ा सा एक प्रोडक्ट गुजराती में भी आपको जरूर बताना होगा। श्योर जी। तो सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहूँ कि हीरेन भाई मैंने अनम्यूट तो कर दी है, लेकिन मैं एक चीज बोलना चाह रहा हूँ कि जो आपका जो स्टाइल है एक घूंट पानी पीने का, वो भी बहुत शानदार है। और और वो स्टाइल तो मुझे राजीव बलवानी जी से भी वही मिला था जब उनके सेशन करवाए थे, तो वो भी बीच बीच में ब्रेक जब लेते थे तो इसी तरीके से एक घूंट पानी पिया करते थे। तो आपने बिल्कुल बांध के रखा, सच में एक मिनट भी ऐसा नहीं लगा कि जो है कहीं पे भी कुछ बोरिंग हो रहा है। और प्रोडक्ट्स नॉलेज में तो जनरली होता ही है, क्योंकि हम अभी ऑनलाइन मीटिंग में है, तो यहाँ तो हमारे हाथ में सारा कंट्रोल है कि कभी भी भाग जाए, कभी भी कुछ कर ले, लेकिन फिर भी यहाँ पे लोग इतना बढ़ चढ़ करके देखे। चैट बॉक्स में अभी भी 100 से ऊपर मेरे अनरेड दिख रहे हैं, फटाफट बढ़ता चला जाता है, लोग थैंक्स थैंक्स बोल रहे हैं। देखिए अभी भी एक मैसेज आ रहा है, तो सच में बहुत रिकॉर्डिंग मांग रहे हैं सब लोग, और रिकॉर्डिंग मांग रहे हैं। अभी तो ये होता है कि आज जैसे सेशन खत्म हो रहा है तो मेरे पास कल सुबह से वापस से डिमांड शुरू हो जाएगी कि रिकॉर्डिंग फटाफट यूट्यूब पे डालिए। तो यूट्यूब पे आपके जा रहे हैं सारे, जो भी प्रेजेंटेशन आपके रॉयल एबीपीबी में हो रहे हैं वो सारे जा रहे हैं, और उसमें से लगातार लोग जो है देखते चले जा रहे हैं। तो अभी मैं चाहूंगा कि हीरेन भाई अपना कमेंट दें। थैंक यू शुनी जी, और सूरज जी आपको सुनने का पहली बार मौका मिला है हमें। जी जी। मैं आपका लास्ट जो सेशन था नहीं आ पा, कि कहीं और मैंने रखा था, तो हमारा रॉयल एबीपीबी ग्रुप के अंदर मैंने मंडे का प्रायोरिटी में रखा हुआ है जी। तो हर मंडे में कुछ भी हो जाए मैं ज्यादातर यहाँ पर होता हूँ, 99% में रहता हूँ। मीटिंग के अंदर और कमिटमेंट्स रहते हैं, क्योंकि वॉरियर ग्रुप के अंदर भी मैं बहुत आगे हूँ, मतलब वहां पर भी टॉप पे हूँ, तो थोड़ा वहां का भी सर, बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैंने आपका काफी नाम सुना है हीरेन सर, चिंतन जी से अक्सर आपके बारे में बात होती है, इसलिए मैं हर ट्रेनिंग में आना चाहता होता होते हुए भी नहीं आ पा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे कमिटमेंट्स होते हैं। सो आज जैसे मेरा कोई मीटिंग नहीं था, तो जैसे हमारा वहाँ वॉरियर का इवेंट हर्षल त्रिवेदी जी का खत्म हुआ, तुरंत मैं यहाँ पर जुड़ गया आपका सेशन सुनने के लिए, क्योंकि बहुत चाह थी, पिछली बार भी मैं नहीं आ पाया कि आपको सुनना है। नहीं सर, तो भाग गया। अश्विनी सर ने ये बताया था कि सूरज जी का और सीएनटी देखने जाए तो बहुत हमें कम सुनने को मिलती है। वैसे प्रणाली दाते को हम लोग सुबह सुनते हैं 9 बजे डाइनिंग टेबल पे चाय नाश्ते के साथ हम लोग रोज सुनते हैं, लेकिन जो सीएनटी पहले हुआ करती थी वो अब होती है, लेकिन प्रोडक्ट्स बढ़ जाने की वजह से इतनी डिटेल में नहीं होती है जितनी डिटेल में आपने आज बताई। नहीं नहीं, हमें उसके लिए 2 दिन निकाल के पूरा हमें वो वर्कशॉप करना पड़ता है, तब जाके ये पूरी डिटेल में हमें इंग्रेडिएंट्स क्या है और कैसे फायदा करता है, कौन से डिजीज के अंदर कैसे डोजेस के अंदर हमें सप्लीमेंट्स लेने हैं, वो सारी चीजें हमें वहां पर डिटेल में जानने को मिलती है, लेकिन उसके लिए 2 दिन हमें जाना पड़ता था। लेकिन आज आपने जो बताया 2 घंटे के अंदर, वैसे तो 1 घंटा ही हुआ लेकिन 2 सेशन हो गए आपके, तो 2 घंटे के अंदर आपने जो बारीकियों से बताया है, मैं अभी अनुमान लगा सकता हूँ कि आपने पहले भी जो इम्यूनिटी वगैरह जो बताया होगा वो बहुत ही बढ़िया बताया होगा, क्योंकि आज का जो आपका तरीका जो बताने का है वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और बिल्कुल मैं सहमत हूँ अर्शनी सर से, क्योंकि ज्यादातर हमें पता है कि जब भी हमें कोई प्रोडक्ट ट्रेनिंग के बारे में बताते हैं ना, तो हम जब देने जाते हैं ना तो लोग उबास या बहुत खाते होते हैं, राइट लेकिन ये चीज यहाँ पर बिल्कुल लोग लेकर सुन रहे थे, और ये बहुत अच्छी बात है और ये बहुत जरूरी भी है। सो थैंक यू सो मच कि आपने बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही पकड़ में रख के आपने ये प्रोडक्ट ट्रेनिंग ली, और हमें
ये चीज को सीखने का मौका मिला है कि हम भी इस तरह से लोगों को प्रोडक्ट ट्रेनिंग देंगे और उस तरीके से पकड़ के रख सकते हैं। तो ये थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू हिरेन भाई। और मैं बस यही कहूंगा कि हम सूरज जी आपको थोड़े थोड़े समय में परेशान जरूर करते रहेंगे। बिल्कुल सर, एनी टाइम, क्योंकि आपके पास बहुत सारा खजाना है जैसा कि मुझे पता है, और भी दूसरे बहुत सारे आपके पास प्रेजेंटेशन रेडी हैं। तो क्योंकि लोग इतना तेजी से जो है आपको चाहते हैं, आप देखिए ना कि ये मैसेजेस चैट बॉक्स भरते ही जा रहे हैं, बार बार मैं देखता हूँ, लेकिन फिर भी लोग जो है बोलते ही जा रहे हैं, लिखते ही जा रहे हैं, और इवन आपके प्रेजेंटेशन के ड्यूरेशन में भी ये सब चीज एप्रिसिएशन आपकी चलती चली जा रही है। जी जी, तो ये सच में बहुत अच्छी बात है। आपने बहुत अच्छे से स्टडी किया है और प्रोडक्ट्स का बहुत कॉन्फिडेंस के साथ आप सारी चीज बताते हैं, और बताने का स्टाइल आपका बहुत शानदार है। तो आपसे हम फिर थोड़े समय बाद कांटेक्ट करेंगे और बिल्कुल सर, बिल्कुल सेशन हम आपके थ्रू करवाएंगे। और अब समय है आपको अगला प्रोग्राम रॉयल एबीपीबी ग्रुप का बताने का। हम कल मिल रहे हैं रात को 9 बजे, और कल हमारे बीच में होने वाले हैं मिस्टर सचिन चिकाटे एंड मिस्टर चिंतन दूधिया। ये दोनों लोग मिल करके आ रहे हैं, जैसा कि इनकी जोड़ी आपने अक्सर देखी है, और ये हमें बताने जा रहे हैं टॉपिक वेस्टीज जर्नी एंड फ्यूचर प्लानिंग, फ्यूचर प्लानिंग ऑफ वेस्टीज। तो जरूर कल इस सेशन को अटेंड करें कि आने वाले समय में वेस्टीज क्या करने जा रहा है, कैसे करने जा रहा है, और वेस्टीज ने अभी तक जो ऊंचाइयां अभी तक चढ़ी हैं तो वो कैसे यहां तक पहुंचे, इसके बारे में वो दोनों लोग, उन दोनों की जोड़ी अभी फेमस हो गई, तो वो हमारे साथ कल यहाँ होने वाले हैं। बिल्कुल सर, और काफी अच्छी एनर्जेटिक ट्रेनिंग होती है। डेफिनेटली सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप आइए, उस आईडी में जुड़िए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनवाइट करिए, और बहुत जल्दी मैं आप लोगों के बीच में वापस से वही एक और सेशन ऑब्जेक्शन हैंगलिंग का लेके आने वाला हूँ। और इस आपको लोगों को एक और चीज बता दूं कि अभी तक जो ऑब्जेक्शन हैंगलिंग करता था तो उसमें क्वेश्चन आते थे कैसे करना है, क्यों करना है। अब मैं आपको एक और नई चीज बता दूं कि मैंने एक ऑब्जेक्शन हैंगलिंग और तैयार कर लिया है स्पेशली फॉर फीमेल्स। जो महिलाएं होती है ना, कहती हैं कि मेरे बच्चे हैं मैं नहीं कर पाऊंगी, मेरे घर में काम वाली भाई आती है मैं नहीं कर पाऊंगी, तो महिलाओं के जो ऑब्जेक्शंस होते हैं उसके ऊपर भी मैंने एक ऑब्जेक्शन हैंगलिंग तैयार कर लिया है, और बहुत जल्दी ये समाप्त होने वाला है, और मैं जैसे ही वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो आप लोगों के बीच में स्पेशली फॉर फीमेल्स के लिए ये ऑब्जेक्शन हैंगलिंग का ट्रेनिंग लेकर वापस। जी बहुत अच्छा, और जैसा कि मुझे पता है लास्ट आपका जो सेशन यहाँ पे हुआ था उसके बाद हमारी जब फोन पे आपसे बात हुई थी, और मैंने आपसे ही पूछा था कि आप ही बताइए कि कौन सा प्रोग्राम आपसे करवाएं हम नेक्स्ट, जो कि आपका बहुत ही अच्छा हो, तो आपने ही जब ये बताया था कि मैं प्रोडक्ट्स ट्रेनिंग CNT भी बहुत अपने अलग स्टाइल में ही लेता हूँ, मुझे ऐसा लगता है आपको पसंद आएगी। तो सच में आपने न केवल वो बोला बहुत अच्छा, जितना मैंने सोचा था उससे भी ज्यादा अच्छा, क्योंकि दो सेशन आपके हुए, दो सेशन में ये कंप्लीट हो पाया। आपने बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करी कि पन्ने पलट दूं और ट्रेनिंग एक घंटे का पीरियड है तो उसमें कंप्लीट कर दूं, स्किप कर दूं, थोड़ा थोड़ा बता के कर दूं, बिल्कुल भी नहीं किया। इवन नए प्रोडक्ट्स को भी आपने पूरी डिटेलिंग के साथ बताया, क्योंकि नॉर्मली लोग क्या है कि इम्यूनिटी बूस्ट और कार्डियो केयर के बाद तो फिर रन डाउन करते हैं स्लाइड्स, क्योंकि कहते हैं कि बहुत लंबी CNT हो रही है तो फटाफट हम आज सारे प्रोडक्ट नहीं बताते, लेकिन आपने बहुत अच्छे से बताया। तो थैंक यू सो मच एक बार फिर से, और आप जल्दी से जल्दी उस लेडीज के ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के लिए हम आपको फिर से आमंत्रित करेंगे। थैंक यू, इतना ही, विश यू वेल्थ, थैंक यू सो मच, विश यू वेल्थ, गुड मॉर्निंग एवरीवन, घर पे रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, वेस्टीज के सप्लीमेंट्स का निरंतर उपयोग करिएगा, घर के बाहर जाएं तो मास्क लगा के जाएं, वो भी वेस्टीज का, आप वेस्टीजियन हैं, घर के बाहर जाएं तो हैंड सैनिटाइजर लेकर आएं, घर के अंदर जब प्रवेश करें तो घर के बाहरी कपड़ों को धोएं, नहा के अंदर प्रवेश करें, क्योंकि आप स्वस्थ तो आपकी फैमिली स्वस्थ, और वेस्टीज के सप्लीमेंट का निरंतर उपयोग करिए, सुबह शाम दोपहर खाइए, खुद खाइए, फैमिली को खिलाइए और पड़ोसियों को भी खिलाइए।
थैंक यू सो मच अगेन, विश यू वेल, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग।